Hello. Good morning, everybody. Yes, I think we are live. Anna? Good morning, Muskan. Good morning, Rashi. Good morning, Parajita. Good morning, Soumya. Kaise hain aap sab log? Ek baar mujhe fatafat se confirm kar do, is the audio video clear? Hanji. Clear? All right. Okay. Let's wait for 2-3 minutes ताकि बाकी बच्चे join कर लें और उसके बाद हम शुरू करेंगे. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कोशिश करने वाले हैं कि rectification complete हो जाए, है ना? Rectification में हमारा एक major topic रहता है. Good morning Atul, good morning. जल्दी आओ. नमस्ते धारवी, नमस्ते. Good morning, Matrix. Good morning, Komal. Good morning. Hi, Goyal. Good morning, Unjin. Okay, I think bachche aa gaye hain. Yes, good morning, Muskan. Good morning. Very good morning. Denver, good morning. Chalo, bhai. Theek hai. Right, theek hai. Haan, Goyal, maine check kiya tha. Usko discuss karenge hum. हाँ जी, आ जाओ भाई, आ जाओ. क्या कर रहे थे हम? हमने बेसिकली क्या करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करना है. ऑफ कोर्स. गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग पार्थ, गुड मॉर्निंग भूमिका. ओके. तो मेरी बात सुनिए, करना क्या है हमको बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है. अगर आपको याद हो तो परसों की क्लास में मैंने आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे. एक था इलस्ट्रेशन नंबर 6, सबका हो गया. एवरीबडी, इलस्ट्रेशन नंबर 6 सबका हो गया. किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछेंगे. लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, दैट वॉज इलस्ट्रेशन नंबर 6. मैंने आपको बता दिया था कैसे करना है. कर लिया आपने? राइट. कोमल कह रहे सर पहले अटेंडेंस लगा दोगे. अटेंडेंस लग गई कोमल, सबकी अटेंडेंस लग गई. चलो गुड मॉर्निंग हिमांशु, फटाफट से मुझे बताओ, हो गया सबका? हो गया? किसी को कोई डाउट नहीं था? आई थिंक ग्रुप पे किसी ने कोई डाउट पूछा नहीं था. यस राशि, आई विल टीच BCK एज वेल. ऑलराइट, ठीक है. देखो भाई, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर लिया था. किसी को कोई भी डाउट होगा तो अगेन ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है? एक बार ग्रुप में पूछ लेना. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करना था, दैट वॉज इलस्ट्रेशन नंबर 7. फटाफट से मुझे बताओ, क्या इलस्ट्रेशन नंबर 7 हो गया था? एवरीबडी जल्दी से मुझे बताओ, फटाफट से बोलो, इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या हो गया था? चारों पार्ट्स इसके हो गए थे या मैं डिस्कस करवाऊं? बोलो फटाफट से बोलो. डन. ओके. हो गया था. ठीक है हिमांशु, पूछो बेटा. बोलो भाई, जल्दी बोलो. हो गया था? किसी को कोई भी डाउट है? अब जिन बच्चों ने किया नहीं है उनको डाउट कहां से आएगा सर? ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया है बेटा, एक बार इसको ट्राई करो. राइट. अगर कोई है जिसको लग रहा है कि डाउट है तो मैं करवा देता हूँ. किसी ने ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ तो मुझे बता दो, मैं करवा देता हूँ. लेकिन अगर हो गया तो फिर आगे चलते हैं. है किसी भी पार्ट में डाउट? बोलो फटाफट से हिमांशु, क्या डाउट है? गुड मॉर्निंग सेजल. सर करवा दो एक बार. अच्छा, कोमल ने बोला करवा दो. चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कि इसमें करना क्या था. देखो, चार एंट्रीज है, फटाफट से हो जाएगा. आ जाओ. हमारा पहला ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? देखो, गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹100. अच्छा, रिटर्न्ड बाय मिस्टर शर्मा. शर्मा जी ने गुड्स वापस कर दिए, पता नहीं क्यों कर दिए भाई. ठीक है. वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट. हुआ क्या है? मेरी बात सुनिए. रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री एक बार देखते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं इसकी करेक्ट एंट्री क्या है, तो बहुत ही आसान है. बोलो भाई फटाफट से बोलो, सारे बच्चे जोर से बोलो, जल्दी से बोलो कि भाई इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी. हुआ क्या है कि ₹100 के गुड्स वापिस आए आपके पास, तो दिस इज सेल्स रिटर्न. येस और नो? क्या ये सेल्स रिटर्न नहीं है? ऑफकोर्स सेल्स रिटर्न है. मुझे एंट्री बताओ फटाफट से. आयुष ने बोला सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा. ऑलराइट, बाकी बच्चे क्या आयुष ने एंट्री सही लिखी है? लिख दे क्या यही? ओके. पराजिता ने भी यही एंट्री बोली है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. ऑलराइट, ठीक है.
ओके बेटा हिमांशु, अगर ये इतने बड़े बड़े डाउट है ना, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे लगा अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक है, आपने क्या बोला? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर। दिस इज सेल्स रिटर्न, दिस इज सेल्स रिटर्न। तो आपका सेल्स रिटर्न होगा डेबिट। हाँ जी बिल्कुल होगा। और जो शर्मा जी ने गुड्स वापस करे, शर्मा जी बेकार है, ठीक है, 100 रुपये के, ये आपकी है करेक्ट एंट्री। लेकिन 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 आपने एंट्री कर क्या दी है सर? आपने कर क्या दी है? देखो, आपने इसको पोस्ट कर दिया सेल्स बुक में, सेल्स बुक में पोस्ट कर दिया। अरे मुझे बताओ, अगर आपने इसको सेल्स बुक में पोस्ट किया है, सेल्स बुक में पोस्ट किया है, तो मुझे बताओ आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी है? आपकी रॉन्ग एंट्री क्या थी भाई? आपने सेल्स बुक में इसको पोस्ट किया है, तो इसका मतलब आपने शर्मा जी को डेबिट किया है ना, शर्मा जी को अपना डेटर माना। बेटा सेल्स बुक में क्या एंट्री करते हैं? डेटर टू सेल्स। तो शर्मा जी डेबिट टू सेल्स। ऑल राइट ऑल राइट, ये एंट्री आपने करी है, बिल्कुल सही, शर्मा टू सेल्स, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके, सौम्या क्रेडिटर नहीं बनाया बेटा, डेटर बनाया, डेटर। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लेकिन इसके बाद देखो क्या लिखा है, इसके बाद देखो क्या लिखा है, इसके बाद देखो क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है कि पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। क्या लिखा है? क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपने अगर सेल्स बुक में एंट्री करी थी तो शर्मा जी को डेबिट करना चाहिए था। बोलो यस और नो, शर्मा जी को क्या करना चाहिए था? डेबिट करना चाहिए था। लेकिन लेकिन वहां पे भी गलती हुई है, आपने वहां पे भी गलती करी है। क्या करी है? आपने शर्मा जी को डेबिट नहीं किया है, आपने शर्मा जी को क्रेडिट किया, आपने शर्मा जी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा। बोलो यस और नो, यही तो लिखा है कि देयर फॉर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। तो शर्मा जी को आपने किया क्रेडिट, सही बोल रहा हूं? यस और नो, क्या करा? क्रेडिट कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, आपको शर्मा जी को क्रेडिट ही करना था? करना था, हाँ जी बिल्कुल करना था। आपने शर्मा जी को क्रेडिट ही किया, इसका मतलब शर्मा जी तो सही है। बोलो हाँ या ना, इसका मतलब शर्मा जी में तो कोई गलती नहीं हुई है। बोलो फटाफट से बोलो, क्या शर्मा जी में कोई गलती हुई है? नहीं, आपको शर्मा जी को करना था क्रेडिट, ठीक है, शर्मा जी को क्रेडिट करना था, शर्मा जी को क्रेडिट कर दिया, उसमें कोई गलती नहीं है। अब अगर मैं इसको रेक्टिफाई करूँ, रेक्टिफिकेशन एंट्री अगर हम पास करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी मेरे दोस्त। देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको सेल्स रिटर्न करना है डेबिट, तो करो ना, किसने रोका है? सेल्स रिटर्न डेबिट करना है तो करो। आपने डेबिट करा कितने से? 100 रुपीज से, ठीक है। शर्मा जी तो सही है, शर्मा जी को काटो, शर्मा जी बिल्कुल सही है। अब बचा क्या है आपका? सेल्स, आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अरे होना नहीं था, होना नहीं था, तो सेल्स को कर देंगे डेबिट। क्या कर देंगे? डेबिट। और जो बाकी बच गया वो तो आपका किसमें जाएगा? सबका सहारा एक, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट 200। सबने ये लिखी है? हाँ जी सबने यही एंट्री लिखी है, बिल्कुल सही, ठीक है। बुशरा, नंदिनी, आयुष, अपराजिता, डेनवर, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है, बहुत ही आसान। चल सकते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, आ जाओ आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पे, आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पे, आ जाओ। देखो देखो नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है, नेक्स्ट एंट्री बोलती है अमाउंट ऑफ 150। खत्म करेंगे इसको फटाफट से, आज हमें एक नया टॉपिक शुरू करना है। देखो अमाउंट ऑफ ₹150, अच्छा, एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, अच्छा मतलब आपने सेल्स रिटर्न बुक में उसकी एंट्री करी है, ऑल राइट, हैज बिन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलीप हु रिटर्न्ड द गुड्स। अरे ये तो बहुत ईजी बोल रहा है ये, देखो देखो क्या बोल रहा है, ये मेरी बात सुनो क्या बोल रहा है। ये हमारा हो गया फर्स्ट एंट्री, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड पे आते हैं, मिस्टर फिलिप ने आपको गुड्स रिटर्न करे थे। क्या करे थे? मिस्टर फिलिप ने आपको गुड्स रिटर्न करे। तो मुझे एक बात बताओ, आपको एंट्री क्या करनी थी? एंट्री क्या करनी थी? अगर आपसे पूछा जाए करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, गोयल जी ने बिल्कुल सही बताया कि भाई हमें सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था। क्या करना था? सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, और फिलिप जी को हमें करना था क्रेडिट। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही डेनवर, बिल्कुल यही करना था। कितने से? 150 से, 150 से। अब जरा देखें कि आपने गलती क्या करी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखें जरा आपने क्या गलती करी है। आपने क्या किया है? आपने गलती से, बाय मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप, आपने मिस्टर फिलिप को डेबिट कर दिया। अरे क्या कर दिया? मिस्टर फिलिप को डेबिट कर दिया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपको मिस्टर फिलिप को क्या करना था? क्रेडिट करना था।
इसका मतलब ये है कि सेल्स रिटर्न में तो कोई गलती नहीं है भाई। अगर वो बोल रहा है कि आपने पोस्टिंग के टाइम मिस्टेक करी है, आपने फिलिप जी के अकाउंट में गलती करी है, तो सेल्स रिटर्न में तो कोई गलती नहीं है ना भाई, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने क्या किया, फिलिप जी को करना था क्रेडिट, अरे गलती से कर दिया डेबिट, कितने से, 150 से आपने कर दिया डेबिट 150 से। इसको सही कैसे करेंगे सर? देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई। देखो पहले तो आप क्या करोगे, पहले जो आपने डेबिट किया है इसको रिवर्स करने के लिए आप मिस्टर फिलिप को करोगे क्रेडिट, यस और नो, बोलो हाँ या ना। जो आपने मिस्टर फिलिप को डेबिट कर दिया, करना थोड़ी था क्या हमको, करना था नहीं सर, तो पहले उसको रिवर्स करो, डेबिट को कर दिया क्रेडिट, कितना 150, और आपको फिलिप जी को क्रेडिट करना है 150 से। इसका मतलब सिंपल सी बात है सर, आप फिलिप जी को 300 से कर दो ना क्रेडिट, कितने से, 300 से, बोलो हाँ या ना, 300 से क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यस और नो। तो फिलिप जी क्या हो जाएंगे, 300 से क्रेडिट, यस और नो, ठीक है। आपने फिलिप जी को 150 से डेबिट कर रखा है, अगर आप उनको 300 से 300 से क्रेडिट कर दोगे तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, 150 क्रेडिट, बस यही हमें करना है। अब डेबिट में अगर कुछ भी नहीं है तो बेटा, जब कुछ नहीं होता तो सस्पेंस होता है। बोलो किसी को डाउट, किसी को भी डाउट है तो फटाफट बोलो, है क्या, ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, आ जाओ भाई आ जाओ, सस्पेंस टू फिलिप, ठीक है ठीक है। लास्ट की दो एंट्री फटाफट से निपटाते हैं, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, लास्ट की दो एंट्रीज, एंट्री नंबर 3, यस क्लियर सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, नो डाउट नो डाउट, आ जाओ भाई आ जाओ, फटाफट से आ जाओ थर्ड एंट्री पे। अ सेल ऑफ ₹200, सेल करी आपने, बहुत बढ़िया, सेल ऑफ ₹300 मेड टू मिस्टर घनश्याम, ओके, वॉज करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, आपने सेल्स बुक में सही एंट्री करी है, मतलब घनश्याम जी को डेबिट करा, सेल्स को करा क्रेडिट, बिल्कुल सही, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधेश्याम एज ₹20, अरे 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 अरे। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, देखो देखो देखो, अगर आपसे पूछा जाए थर्ड एंट्री, अगर आपसे पूछा जाए सर क्या पूछा जाए, एंट्री होनी क्या चाहिए थी थर्ड की, अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, आप क्या बोलोगे, सर देखो आपने घनश्याम जी को सेल्स करी है तो बेटा घनश्याम जी करने चाहिए डेबिट, घनश्याम जी को डेबिट करो, है ना, कितने से 200 से, टू सेल्स, सिंपल सी एंट्री थी सर, आपने इसको भी गलत कर दिया, क्या सीए हो सर आप। घनश्याम जी डेबिट टू सेल्स ₹200, हाँ जी बिल्कुल सही, आपने किया क्या, आपने पहली बात तो घनश्याम जी को तो डेबिट ही नहीं किया, आपने क्या किया है, आपने डेबिट किया राधेश्याम, आपने राधेश्याम जी को डेबिट किया, राधे राधे राधेश्याम, राधेश्याम को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, राइट, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है क्या, हाँ जी बिल्कुल गलत लिखी है, राधेश्याम जी को आपने किया डेबिट, कितने से 20 रुपीज से। बेटा सेल्स में कोई गलती नहीं है क्या, सेल्स में कोई गलती है सर, नहीं सेल्स में कोई भी गलती नहीं है, आपने बस गलत क्या किया है, आपने ये गलत किया है कि आपने राधेश्याम जी को डेबिट किया, क्या किया, राधेश्याम जी को डेबिट किया, वो भी 20 रुपए से, अकाउंट भी गलत अमाउंट भी गलत, अरे कितनी गलती करोगे भाई, सब कुछ गलत। अच्छा अच्छा आ जाओ इसको रेक्टिफाई करते हैं, सही करते हैं भाई, हमारा काम है सही करना। मुझे बताओ सबसे पहले होना क्या चाहिए था, आपको घनश्याम जी को डेबिट होना चाहिए था, घनश्याम जी को डेबिट करना चाहिए था, तो पहले हम घनश्याम जी को करेंगे डेबिट, घनश्याम जी डेबिट हो जाओ, चलो हो गए, कितने से 200 से, और आपने राधेश्याम जी को डेबिट किया, अरे होना था क्या, आप बताओ राधेश्याम जी को डेबिट करना था क्या, नहीं, उनको तो हम क्या करेंगे क्रेडिट, राधेश्याम कितने से 20 रुपीज से, अब बाकी जो बच गया वो किस में जाएगा, सस्पेंस में, क्या बच गया, क्रेडिट में सस्पेंस बच गया सर, सस्पेंस बच गया कितने का, 180 का, बात खत्म। जैसे कि मैं देख रहा हूँ सबने यही आंसर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, आयुष बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, गोयल जी का बिल्कुल ठीक है, अभिषेक जी का भी ठीक है, अपराजिता परफेक्ट, ओके ओके, डेनवर ठीक है। हाँ जी भाई, किसी को डाउट, एनीबडी एनी डाउट, समबडी एनीबडी, है किसी को डाउट, है आसान है सर, तो बहुत ही आसान लग रहा है, अरे है ही आसान, नो सर नो सर, ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट एंट्री पे आते हैं बेटा, लास्ट एंट्री पे आते हैं, लास्ट एंट्री क्या करनी है जरा वो भी देख लेते हैं।
सर घनश्याम को 400 से डेबिट करेंगे ना, जैसे टू में। बेटा नंदिनी, जैसे हमने टू में, मेरी बात सुनो नंदिनी, हमने टू में क्या किया था, हमने टू में, सुनो नंदिनी मेरी बात सुनो, हमने टू में सेकंड में हमने क्या किया, सेकंड में हमने मिस्टर फिलिप जी को क्रेडिट करना था कितने से, 150 से। आपने क्या किया था, मिस्टर फिलिप जी को डेबिट कर दिया था, आपने डेबिट कर दिया था 150 से। फिलिप जी को क्रेडिट करना था, फिलिप जी को डेबिट कर दिया, इसीलिए आपको फिलिप जी को डबल अमाउंट से क्या करना पड़ा, क्रेडिट। अरे लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हुआ ही नहीं, आपने घनश्याम जी को डेबिट करना था, आपने किया ही नहीं है। घनश्याम जी तो कहीं आए नहीं है ना, आपने राधे श्याम जी को डेबिट किया है। किसको डेबिट किया, राधे श्याम जी को, तो घनश्याम जी को आपने डेबिट किया ही नहीं। तो घनश्याम जी क्या होंगे, पहले डेबिट होंगे 200 से। 400 बेटा तब आता जब आप घनश्याम जी को क्रेडिट कर देते 200 रुपीज से। अगर आप घनश्याम जी को क्या कर देते, क्रेडिट 200 रुपीज से, तब आपको डेबिट करना पड़ता कितने से, 400 रुपीज से। बात समझ रहे हो मेरी, यहां पे तो भाई आपने घनश्याम जी का अकाउंट यूज ही नहीं किया, आपने तो राधे श्याम जी को डेबिट किया। तो जो आपने किया उसको रिवर्स करेंगे, है ना, जो आपने किया उसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। यस सर, अब क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाओ भाई लास्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या कहती है, लास्ट ट्रांजेक्शन कुछ इस तरीके से बोलती है कि देखो द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड का कॉलम होता है ना कैश बुक में, बिल्कुल। फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर अमाउंटिंग टू 240 वॉज नॉट पोस्टेड। अरे ये तो बहुत ईजी हो गया, ये तो बहुत ही आसान हो गया। दिस इज एरर ऑफ ओमिशन, पार्शल ओमिशन। मुझे बताओ क्या बोला है कि जो आपके कौन सा कॉलम है आपका 250 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, पोस्ट नहीं किया, आपने उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो भाई। गोयल जी ने बता दिया, बुशरा डेनवर, सिंपल सी बात है सर, डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। तो आप क्या करोगे, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट जो होता है उसको डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट होता है, क्या होता है, डेबिट। आपके लिए खर्चा होता है ना भाई, आपके लिए तो एक्सपेंस हो रहा है, डेबिट होता है कितने से, आपका 250 से। आपने पोस्ट नहीं किया तो डेबिट कर दिया, टू सस्पेंस कितना, 250 रुपीज। बोलो भाई बोलो, ये तो बहुत ही आसान था। किसी को कुछ भी डाउट है इस पूरे क्वेश्चन में मुझे फटाफट से बताओ। है क्या, नो, क्लियर हो गया भाई, पूरा क्वेश्चन डिस्कस हो गया, सारा का सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया, क्लियर है। ऑल राइट, इसका मतलब दोस्तों ये है कि हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट इज करेक्शन इन द अकाउंटिंग पीरियड। क्या हम शुरू कर सकते हैं, हाँ जी क्या हम शुरू कर सकते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यस ये चैप्टर खत्म, यस। आ जाओ भाई, आ जाओ, डिस्कस करते हैं फटाफट से, आओ। हाँ राशि, अगर आपको डेट नहीं मेंशन है तो 1 2 3 लिखेंगे, बिल्कुल से। देखो भाई देखो, मेरी बात सुन लो, आ जाओ। हाँ जी, रेक्टिफिकेशन करने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी होती है कि आप एरर को कब रेक्टिफाई कर रहे हो, बोलो हाँ या ना। रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको ये देखना होता है कि आपने एरर को कब डिटेक्ट किया है, करेक्ट बात है। हमने देखा था कि भाई एरर को जो डिटेक्ट करना होता है वो आप 3 अलग अलग स्टेजेस में कर सकते हो। सर कौन सी स्टेजेस थी, बेटा पहली स्टेज थी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, 11th में नहीं पढ़ा है आपने इसको, ठीक है। बिफोर ट्रायल बैलेंस, पहली हमारी क्या थी, बिफोर ट्रायल बैलेंस। अच्छा, अब बिफोर ट्रायल बैलेंस में क्या था कि भाई अभी आपने ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं है, आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, अच्छा उससे पहले ही आपने गलती को पकड़ लिया, जर्नल में गलती हो गई, लेजर में गलती हो गई, आपने पकड़ लिया। उसमें आपने उसके बाद देखना होता है कि एरर कौन सा है, क्या वन साइडेड है या टू साइडेड है, आपका एरर वन साइडेड है या टू साइडेड है, आपको ये देखना होता है। यस, अगर आपका एरर वन साइडेड है, एवरीबडी जल्दी से मुझे बताओ, अगर आपका एरर वन साइडेड है तो हम क्या करते थे, बोलो 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 जल्दी से बोलो। अगर आपका एरर वन साइडेड होता है तो आप कैसे रेक्टिफाई करते हो, क्या हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, नहीं। आयुष ने बिल्कुल सही बोला, सर हम एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। अपराजिता बेटा रुको 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 रुको,
अगर एरर वन साइडेड है आपका, कौन सा एरर है, वन साइडेड, लेकिन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, तो यहां पे आप क्या करते थे, एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट लिखते थे. क्या लिखते थे? रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट. सर रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट क्या थी बेटा? जैसे हम लिखते थे टू एरर इन पोस्टिंग, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, वो रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट से हम उसको क्या करते थे, रेक्टिफाई करते थे. बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही. और अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर आपका टू साइडेड एरर है, हाँ जी बताइए बताइए, अगर आपका टू साइडेड एरर है उस केस में हम क्या करते थे, बोलो बोलो बोलो, उसको कैसे रेक्टिफाई करते थे? आपसे अगर दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स में गलती हो गई है, कैसे? एंट्री करके, जर्नल एंट्री करके. सर उस केस में आपकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती थी, सही कह रहा हूं मैं, उस केस में आपकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती थी. तो ये तो था अगर आपने रेक्टिफाई कर लिया बिफोर ट्रायल बैलेंस. बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, रिवाइज हो गया, ठीक है. इसके बाद मेरे दोस्त सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज क्या थी? सेकेंड स्टेज थी आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, लेकिन 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 आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स. क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब सुनो, मेरी बात सुनो, दिस इज स्टेज नंबर टू. इसका मतलब है कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही गलती को रेक्टिफाई किया है. आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, ट्रायल बैलेंस में आपने देखा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, ठीक है, तब आप ढूंढ रहे हो गलती को, या ट्रायल बैलेंस मैच हो गया लेकिन उसके बाद आपको गलती का पता चला, करेक्ट है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स अभी नहीं बने हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले, बैलेंस शीट से पहले आपने रेक्टिफाई कर दिया, करेक्ट है, कि भाई देखो ट्रायल बैलेंस बना लिया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले, बैलेंस शीट बनाने से पहले आपने रेक्टिफाई कर लिया, गलती को ढूंढ लिया. अगेन यहां पे भी आप क्या होता है, यहां पे भी वन साइडेड एरर हो सकते हैं और आपके टू साइडेड एरर हो सकते हैं. मुझे फटाफट से बताओ, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप रेक्टिफाई कर रहे हो क्या वन साइडेड एरर, तो बेटा कैसे करते हैं वन साइडेड एरर को, हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं जरा बताना. सस्पेंस अकाउंट, धारवी ने क्या बोला कि सर इस केस में आपका सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है. क्या होता है इस केस में? आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हो. सब बच्चों ने बोला क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्योंकि वन साइडेड एरर है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं हुआ होगा, है ना. आपका अगर वन साइडेड एरर है तो ट्रायल बैलेंस मैच हुआ ही नहीं होगा, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है. लेकिन लेकिन अगर टू साइडेड एरर है, अगर नॉर्मल टू साइडेड एरर है, तो उस केस को कैसे आप रेक्टिफाई करते हो? कैसे? रेक्टिफाइड एंट्री. अगेन हम एक नॉर्मल जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, नॉर्मल जर्नल एंट्री, जिसको आप रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलते हो. क्या बोलते हो? रेक्टिफिकेशन एंट्री. उस केस में सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता है, क्योंकि डेबिट साइड में भी गलती हो रखी है, क्रेडिट साइड में भी गलती हो रखी है, तो आपके आपस में ही जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है, सस्पेंस की जरूरत नहीं पड़ती. क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक हम पढ़ चुके हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है, बोलो फटाफट से बोलो, यहां तक हम पढ़ चुके हैं. यस यस सर, यस सर. अब मेरी बात सुनो, अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है, मजा ही आ जाएगा भाई. नेक्स्ट है आपका आफ्टर फाइनल अकाउंट्स. सर ये कैसे होगा? अब आपको मेरी बस थोड़ी सी बातें सुननी है. आ जाओ भाई, आ जाओ, तैयार है? चलो ठीक है. अब देखो हुआ क्या कि मान लीजिए कि आप कौन हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है, मान लेते हैं आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, किसी का भी नाम लेते हैं, बुशरा का नाम लेते हैं, चलो सीए बुशरा, ओके, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो बुशरा, ठीक है. अब वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अब ये सब काम नहीं करता है, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है. अब मेरी बात सुनिए, ठीक है अभिषेक बेटा, दो मिनट रुक जाओ, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो. अब क्या हुआ, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ओके, और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा भाई, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और भाई सब दिक्कत, हार्ट बीट तेज हो गई, बहुत ही टेंशन हो गई कि भाई डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है और आपका क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है, मान लेते हैं डेबिट साइड का टोटल आपका कितना आ रहा है, 10,000, अरे अरे अरे, क्रेडिट साइड का आ रहा है 12,000, मतलब डेबिट साइड 2,000 से कम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें,
तो आपने क्या किया, आपने भाई सिंपल सी एक चीज करी, अब नहीं हो रहा मैच तो नहीं हो रहा, आपने सस्पेंस अकाउंट खोला कि भाई अभी तो सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सब बोल रहे हैं कि बेटा जल्दी ट्रायल बैलेंस दो, बहुत प्रेशर है। मान लो आज डेट क्या है, आज डेट है 3rd September। सेकेंड का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, सेकेंड का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मान लो 2nd September है, क्या है 2nd September, अच्छा ठीक है 2nd September 2022। अब क्या हुआ, आप क्या हुआ, सारे के सारे लोग जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो सब आप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई बुशरा हमें आज ट्रायल बैलेंस चाहिए, कुछ भी हो जाए। अच्छा 2nd September हो गई है, शाम हो गई है, आपने क्या किया, सस्पेंस में डाल रखा है 2000। आप कोशिश कर रहे हो कि मिल जाए, नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। अब डेट आ गई, क्या आ गई, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, मान लो आज बनाना है, ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, आपके ओनर्स आपके मैनेजमेंट आपको फोर्स कर रही है जल्दी दो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करोगे आप भाई? अब बात ऐसी है कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर सकते हैं आप, इसी ट्रायल बैलेंस के साथ बैलेंस शीट बनाओगे। भाई क्या करें, अब इतना प्रेशर आ रहा है तो अब क्या करें? और ऐसे ही पता है टेंशन में तो दिमाग चलता कहाँ है, जब आपके एग्जाम में लास्ट के 10 मिनट रह जाते हैं तो बेटा पेन तो बहुत तेज चलता है लेकिन दिमाग बहुत कम चलता है, पेन तो तेज चलता है लेकिन दिमाग नहीं चलता उस टाइम पे। अच्छा, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। आपने क्या किया, आपने जाके बता दिया कि सुनिए सर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है कि ये 2000 रुपये मिल जाए कि कहाँ गलती हुई है लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना लेते हैं, क्या करें? ठीक है, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे सर तो मुझे एक बात बताओ, इस सस्पेंस का होगा क्या? सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है आपका, सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है, बिल्कुल सही। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो आपने क्या किया, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिख दिया सस्पेंस, क्या लिख दिया, सस्पेंस कितने का, 2000 का। अदर करंट एसेट्स में कहां क्लासिफाई कर दिया, अदर करंट एसेट्स में। अगर किसी भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो भाई उसको आप कहां क्लासिफाई करते हो एसेट में। आपने डाल दिया भाई, आप सस्पेंस डाल दिया, क्या करें, मतलब पूरा साल खत्म हो गया, आपने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सब बना ली, अरे तब भी गलती नहीं मिली, इसलिए आपने बैलेंस शीट में कितना दिखाया, 2000 रुपये। क्या इतनी बात समझ में आती है कि भाई अगर फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद भी आपको गलती नहीं मिल रही तो क्या करें भाई, अब क्या करें, क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। अब आपका शुरू हुआ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, ऑल राइट, और मुबारक हो सर। क्यों, आपको गलती मिल गई, आपको पिछले साल वाली गलती मिल गई, आप लगे पड़े थे दिन रात गलती ढूंढने में, ये गलती मुझसे हुई कैसे, आपको मिल गई। और गलती पता क्या थी, बहुत ही सिंपल सी गलती थी, क्या थी सर, आपका जो परचेज अकाउंट था, जो परचेज बुक थी, वो क्या थी, अंडरकास्ट, आपसे ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, अंडरकास्ट बाय ₹2000। अरे, ये गलती आपसे पकड़ी नहीं गई, क्या बात कर रहे हो बुशरा आप, बताओ, इतनी छोटी सी गलती थी, आपने परचेज बुक को अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है, उसका टोटल, कास्ट मतलब टोटल, अंडर मतलब कम, आपने परचेज बुक का टोटल कम दिखा रखा था 2000 रुपये से, बोलो हाँ या ना। अभी आप सब कुछ भूल जाओ, मुझे एक बात बताओ, अगर इस एंट्री को रेक्टिफाई करना है तो मुझे बताओ आप क्या एंट्री रिकॉर्ड करोगे, रेक्टिफाई कैसे करोगे, मुझे बताओ भाई, इस एंट्री को अगर रेक्टिफाई करना है तो आप क्या रेक्टिफाइंग एंट्री रिकॉर्ड करोगे कि परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 2000। सर आसान है ये तो, बहुत ही ज्यादा आसान है, हम क्या करेंगे, परचेज को करेंगे डेबिट, बोलो हाँ या ना भाई, परचेज को डेबिट, आयुष बहुत बढ़िया, 2000 से हम डेबिट करेंगे और सस्पेंस को कर देंगे क्रेडिट, क्या कर देंगे, और सस्पेंस को कर देंगे क्रेडिट 2000 से। बुशरा, आपने जो लिखा है, आपने लिखा रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, है ना, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट कब आती है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। अरे अब तो ट्रायल बैलेंस भी बन गया, आपने तो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है, मेरी बात सुनो, इस गलती के लिए आपने तो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया था ना भाई, देखो, आपने सस्पेंस को डेबिट साइड पे कर रखा है,
क्या कर रखा है सस्पेंस डेबिट साइड पे, अब जब गलती को रेक्टिफाई करोगे तो सस्पेंस क्रेडिट होगा या नहीं होगा? भाई आपने सस्पेंस को डेबिट किया, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि गलती क्या हुई है। अब जब गलती पता चल गई तो सस्पेंस अकाउंट तो बंद होगा ना भाई, क्या होगा? बंद होगा। कैसे बंद होगा? क्रेडिट करोगे तभी तो बंद होगा। बिल्कुल सही, यही एंट्री होगी। अब जरा समझते हैं कि हुआ क्या, जरा ध्यान से सुनो हुआ क्या। अब मेरी बात सुनो, बहुत मजेदार, मैं आपको बहुत ही लॉजिक के अंदर लेके चल रहा हूँ, बुक में ये सब नहीं है, बुक में सिंपल आंसर दे रखा है, लेकिन जब तक समझने में मजा ना आए तो क्या फायदा। ध्यान से मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। अब हुआ क्या, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इसका मतलब क्या ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा पिछला फाइनेंशियल ईयर था, मान लो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, फाइनेंशियल ईयर 2021-22, कौन सा फाइनेंशियल ईयर था, 2021-22। मैंने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में क्या कर रखा था, मैंने अपनी परचेज को, किसको, मैंने अपनी परचेज को 2000 से कम दिखाया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मैंने अपनी परचेज को 2000 से कम दिखाया, करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा फोकस यहीं पे होना चाहिए। मैंने अपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अपने परचेज को 2000 से कम दिखाया। ऑब्वियसली भाई, अगर ये गलती किस चीज की थी, ये गलती थी परचेज की, आपने परचेज को अंडरकास्ट कर रखा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपने परचेज को 2000 से कम दिखाया। बेटा परचेज को 2000 से कम दिखाने का मतलब क्या है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका मतलब मैंने अपने प्रॉफिट को 2000 से ज़्यादा दिखाया? लगाओ बेटा दिमाग, लगाओ। भाई परचेज आपका क्या है? खर्चा। परचेज इज एक्सपेंस, येस और नो? आपका परचेज क्या है? आपका परचेज एक्सपेंस है, बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल एक्सपेंस है। बेटा अगर परचेज को 2000 से कम दिखाया है ना, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो परचेज को डेबिट साइड पे लिखते हो। अगर आपने डेबिट साइड 2000 से कम दिखाई है, इसका मतलब आपने प्रॉफिट 2000 से ज्यादा दिखाया, बोलो हाँ या ना। अरे ये तो कितना भाई, कितनी बड़ी गलती हो गई। आपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अपना प्रॉफिट 2000 से ज्यादा दिखा रखा है, गलती है? यस नो? आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया वो 2000 से ज्यादा दिखाया, गलती है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। यहां तक क्लियर हुआ है? हुआ क्या है, सिचुएशन क्या है, ये क्लियर है? बोलो फटाफट से, यहां तक क्लियर हुआ है? यस सर क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गया 21-22। अब भाई जो गलती हो गई वो तो हो गई, आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तो बंद हो चुका है, अब जो हो गया वो हो गया। Yes or no? अब क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। अब आया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ऑल राइट, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। तो आप अगर ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हो, क्या करते हो, अगर आप ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहे हो, परचेज अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ, आराम से समझो, इसका मतलब ये हुआ कि आप 2022-23 में अपने परचेज को 2000 से ज्यादा दिखा रहे हो, हाँ या ना? भाई ये परचेज का एक्सपेंस मेरा इस साल का तो है ही नहीं। क्या मेरा इस साल का है? क्या ये परचेज का एक्सपेंस इस साल का है? सर नहीं, पिछले साल का था, पिछले साल नहीं दिखा पाया, इसीलिए मेरे को इस साल दिखाना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे इस साल दिखाना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि लेट्स से आपका 2022-23 परचेजेस 20,000 का है, अगर 20,000 का है, लेकिन आप कितने का दिखाओगे, 22,000 का, कितने का दिखाओगे, 22,000 का। सर इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो 2022-23 का एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए, अगर आप देखोगे 2022-23 का जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा, आप वो प्रॉफिट नहीं दिखाओगे, आप अपना प्रॉफिट इस साल 2000 से कम करने वाले हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? भाई जो भी आपका एक्चुअल 2022-23 का प्रॉफिट होगा, आप वो शो नहीं कर रहे हो, आप उसको 2000 से कम कर रहे हो, जो कि पिछले साल का एक्सपेंस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर लेकिन ऊपर पता था 2000। बेटा गोयल जी ने एक डाउट पूछा है, सुनो मेरी बात। गोयल जी ने पूछा है कि सर अगर आपको पता ही था कि पिछले साल 2000 रुपये डेबिट में है, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते। अगर गोयल जी मुझे एक बात बताओ,
अगर ये गलती होती कि आपका कोई एसेट की गलती है, मतलब आपने मशीनरी को 2000 से कम दिखाया, डेटर को 2000 से कम दिखाया, यस और नो, किसी एसेट में गलती हो गई, किसी में भी गलती हो गई, या लायबिलिटी आपने 2000 से ज़्यादा दिखा दी है, तो भाई मैं क्यों डालूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? क्या मेरी बात समझ रहे हो? गोयल जी ने क्या पूछा है? गोयल ने पूछा कि सर अगर आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि सस्पेंस 2000 डेबिट बैलेंस है, अगर आपको साफ साफ दिख ही रहा था कि डेबिट में सस्पेंस 2000 है, अरे तो डाल देते ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ डाल देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा, ऐसे कैसे डाल देता? ना तो आपको ये पता कि वो एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है, पता है क्या? नहीं ना, आपको पता ही नहीं है कि इस 2000 का नेचर क्या है, तो ऐसे कैसे डाल दूंगा मैं? ऐसे मैं उसको कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दूं? बेटा नहीं डाल सकते, ये तो गलत हो जाएगा ना। अब मान लो कोई एसेट होता, आप डाल रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये क्या बात हुई? बात समझ गए? ठीक है, हाँ जी, वापस आते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि भाई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप क्या करने वाले हो? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप अपने परचेज का एक्सपेंस 2000 रुपये से ज़्यादा दिखाने वाले हो, परचेज का एक्सपेंस 2000 रुपये से ज़्यादा दिखाने वाले हो, विच मीन्स कि इस साल का प्रॉफिट आप 2000 से कम दिखाओगे। क्या ये सही है? मुझे बताओ क्या ये सही है? हाँ सर, पिछले साल प्रॉफिट 2000 ज़्यादा दिखाया था, इस साल कम दिखा दो, सही है ना? मुझे बताओ ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बताओ यही करना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है 2000 से प्रॉफिट कम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 2000 से प्रॉफिट कम आ रहा है, तो क्या हम 2000 से प्रॉफिट कम दिखा दें? दिखा दे क्या? बच्चे कुछ बोल रहे हैं यस, कुछ बोल रहे हैं नहीं, नो सर। देखो मेरी एक बात सुनो, ये तो ये इसका मतलब तो ये हो गया कि क्योंकि मैंने पहले एक गलती कर दी, तो सर एक गलती और सही। अरे अगर मैंने एक गलती कर दी है तो एक गलती और कर देते, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर आपने अपना प्रॉफिट पिछले साल का गलत दिखाया, अरे तो इस साल का भी गलत दिखा दो, एक ही बात हो जाएगी ना, गलती कॉम्पेंसेट, है ना? दो गलती कर लो सर, एक गलती से बढ़िया क्या होती है? दो गलती, एक गलती से बेटर क्या होता है सर? एक से बढ़कर दो। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे होता है क्या? मतलब ये तो वही बात हो गई कि अगर आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो चलो अगला भी गलत कर देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, है ना? ये तो वही बात हो गई सर, अगर पिछला क्वेश्चन गलत हो गया तो ये भी गलत ही कर देते हैं, अब गलत तो हो ही गया। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अब हुआ क्या, इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैंने पिछले साल का प्रॉफिट गलत दिखाया, ठीक है, पिछले साल का अगर मैंने गलत दिखाया तो बेटा इस साल का भी मैं गलत दिखाऊंगा, ये तो गलत बात है। अगर मैंने पिछले साल यूजर्स को गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो इस साल भी मैं अपने यूजर्स को गलत इन्फॉर्मेशन दूं, ये तो पाप हो जाएगा, है ना? पिछले साल तो आपसे गलती हुई थी, इस साल तो आप इंटेंशनली कर रहे हो, और इंटेंशनली जो होता है वो फ्रॉड होता है, गलती नहीं होती है। अगर आप इंटेंशनली कर रहे हो तो बेटा वो गलती नहीं है, वो फ्रॉड है। क्या है? फ्रॉड कर रहे हो, पाप कर रहे हो, ठीक है। तो सर करेंगे क्या? देखो मैं इसको कंक्लूड करता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको इस बारी परचेज रिकॉर्ड करनी है, 2000 रुपये से परचेज तो रिकॉर्ड करनी है, बिल्कुल सही बात है सर, करनी है, क्योंकि मैंने परचेज पिछली बार रिकॉर्ड नहीं करी है तो इस बार रिकॉर्ड करनी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस साल के प्रॉफिट पे मेरा असर ना पड़े, इसीलिए मैं क्या करता हूं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, इसीलिए मैं एक सेपरेट अकाउंट ओपन करता हूं, देखो, और उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोला मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मेरी बात सुनो, मैं क्या करूंगा, देखो मैं चाहता हूं कि मेरे यूजर्स को गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2022-23 का जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा, जो मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आ रहा होगा, क्या बोला मैंने, अगर मेरा कोई नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ रहा होगा, इसको मैं अलग से दिखाऊंगा, मैं इसको प्रॉपरली प्रेजेंट करूंगा कि भाई देखो मेरा इस साल का इतना प्रॉफिट या इतना लॉस आ रहा है, जो मैंने इस साल धंधा किया, इस साल जो मैंने बिजनेस किया उससे मेरा इतना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, ताकि यूजर्स को पता चले कि भाई इस साल का तो ये प्रॉफिट है। उसके बाद मैं इसका प्रॉफिट या लॉस, भाई पिछले साल की गलतियों से जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, वो मैं किस में डाल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। होता क्या है, मेरी बात सुनो, प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आपकी बुक में कुछ और है लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है,
आप इसको क्या करते हो, इसको अलग से शो करते हो प्रायर पीरियड आइटम्स। क्या शो करते हो? प्रायर पीरियड आइटम्स। ध्यान से मेरी बात सुनो, प्रायर पीरियड आइटम्स में क्या मतलब हो गया सर? प्रायर पीरियड मतलब पिछले साल के पीरियड, पिछला पीरियड उसके आइटम्स। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं 2000 रुपीज लिखूंगा, 2000 रुपीज नेगेटिव में, क्योंकि मेरा एक तरीके से लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? एक तरीके से लॉस हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रायर पीरियड आइटम्स। इससे होगा क्या सर? इससे होगा ये कि भाई यूजर को ये भी पता चल गया कि इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। हाँ या ना भाई, यूजर को क्या पता चल गया कि इस साल जो इस बंदे ने बिजनेस किया है, इस पार्टनरशिप हमने, इस कंपनी ने बिजनेस किया है, उससे ये प्रॉफिट आया, और पिछले साल जो गलतियां हो गई थी, पिछले साल जो गलतियां हुई थी जो आपने इस साल रेक्टिफाई करी है, उस रेक्टिफिकेशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल रहा है वो आपने अलग से दिखाया, सेपरेट आइटम, प्रायर पीरियड आइटम्स। ठीक है, तो आपने क्या किया, मिक्स नहीं कर दिया। आपने अगर इसको मिक्स कर दिया होता अपने एक्चुअल प्रॉफिट में तो वो गलत होता, तो वो गलत होता, तो आप गलत प्रॉफिट बता रहे हो। लेकिन 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 अब आपने क्या किया, उसको सेपरेटली शो करा, तो इसका मतलब आप सही इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हो। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई है एवरीबडी? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मजेदार कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली होता है ये। जल्दी से मुझे बताओ, क्लियर हुआ है? डिटेल में समझ में आया? डिटेल में समझ में आया कि सर कर क्या रहे हैं? अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है भाई, कहानी खत्म नहीं हुई है। यहां तक क्लियर हो गया तो हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है, अब हम बात करेंगे कि वो होगा कैसे, होगा कैसे, कैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा, कैसे प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, देखो 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 देखो, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जब भी मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है, क्या निकालना होता है, जब भी मुझे किसी भी आइटम का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है, तो भाई कौन से नेचर ऑफ अकाउंट्स की मैं बात करता हूँ? मैंने क्या बोला भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने के लिए हम रियल अकाउंट कंसिडर करते हैं, पर्सनल अकाउंट कंसिडर करते हैं, या नॉमिनल अकाउंट कंसिडर करते हैं? बताओ, रियल अकाउंट, पर्सनल या नॉमिनल? सर ये तो बहुत सिंपल है, नॉमिनल। कौन से अकाउंट्स की बात होती है जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है सर? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, रेवेन्यू, ये सब आपका नॉमिनल अकाउंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरी बात ध्यान से सुन लो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर आपको कुछ भी रेक्टिफिकेशन करना है, क्या करना है, अगर आपको कुछ भी रेक्टिफिकेशन करना है और अगर आपका नॉमिनल अकाउंट आ रहा है, मैंने क्या बोला, अगर आपको रेक्टिफिकेशन करना है, अगर आपको रेक्टिफिकेशन करना है, जैसे जैसे सर देखो, जैसे अभी हमने रेक्टिफिकेशन किया था कि हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, क्या किया था हमने, परचेज अकाउंट को किया था डेबिट और सस्पेंस को किया था क्रेडिट। अब देखो, मैं परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं परचेज अकाउंट को डेबिट करूंगा तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, यस नो? तो मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, मेरा परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, तो भाई जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो मैं किस में डाल दूंगा, वो मैं डाल दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। कहां डाल दूंगा मैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। यहां मैं क्या लिख दूंगा, एक सेकेंड रुको, ये पेन को क्या हो गया भाई, यहां मैं क्या लिखूंगा, PNL एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मैं एक्चुअली में कर क्या रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि भाई जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो पिछले साल के हैं, जो भी रेवेन्यू है पिछले साल का है, कोई इनकम पिछले साल की है, कोई लॉस पिछले साल का है, तो भाई उसको डायरेक्टली कहां डाल दो, उसको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल दो, क्योंकि मुझे पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अलग से निकालना है। पिछले साल जो मुझसे गलतियां हुई, लास्ट ईयर जो मुझसे गलतियां हुई है, उससे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकल रहा है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकल रहा है उसको मुझे अलग अकाउंट में डालना है, दैट इज PNL एडजस्टमेंट। तो सिंपल सी बात है, मेरी बात सिंपल सी बात है, इसको मैं समराइज करता हूं, मेरी बात सुनो, जब भी आप रेक्टिफिकेशन कर रहे होगे तो रेक्टिफिकेशन एग्जैक्ट उसी तरीके से करोगे जैसे आप अभी तक करते आए हो। मैंने क्या बोला, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से करनी है जैसे आप अभी तक करते आए हो। बस फर्क क्या होगा, जहां पे भी आपका नॉमिनल अकाउंट आएगा, जहां पे भी आपका नॉमिनल अकाउंट आएगा वहां पे आपको क्या लिखना है, PNL एडजस्टमेंट अकाउंट, वहां पे आपको PNL एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है जहां पे भी आपका क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट आएगा। क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ में आती है?
मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, बुक में बस इतना लिखा हुआ है, बुक में बस यही लाइन है कि नॉमिनल अकाउंट की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट लिख दो। अरे क्यों लिख दो, वो हमने अभी बात करी है। क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ है? क्वेश्चंस करेंगे और भी क्लियर होगा, टेंशन मत लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जल्दी से मुझे बोलो दोस्तों, क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ यार? फटाफट से बताओ, सारे के सारे जितने भी बच्चे बैठ के देख रहे हैं, सारे बच्चे मुझे बताओ क्या यहां तक क्लियर है। कि भाई सिंपल है कि जब भी आप रेक्टिफिकेशन कर रहे होगे और रेक्टिफिकेशन करते टाइम अगर आपका कोई भी एक्सपेंस अकाउंट आया, कोई रेवेन्यू, इनकम रेवेन्यू, एक्सपेंस लॉस, जो भी आया, जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, उसकी जगह आपको क्या लिखना है? पीएनएल एडजस्टमेंट। क्यों लिखना है वो हमने बात करी। सर इसका मतलब क्या ये है कि अगर कोई रियल अकाउंट आता है या फिर कोई पर्सनल अकाउंट आता है तो उसको हमने वैसे ही रेक्टिफाई करना है जैसे हम अभी करते आए हैं, उनको हमने अकाउंट से ही लिखना है? हाँ, एग्जाम्पल देखो, मेरी बात सुनो। जैसे आपने सस्पेंस में 2000 लिखा था डेबिट, अब मान लो अगर आपको ये बोल दिया जाता, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपको ये बोल दिया जाता कि कैश बुक अंडरकास्ट हो गई, क्या हो गई? कैश बुक आपकी अंडरकास्ट हो गई 2000 से, अंडरकास्ट बाय 2000 रुपीज। मुझे बताओ पहले इसकी एंट्री क्या करते भाई, बोलो फटाफट से बोलो। अगर आपका कैश अकाउंट अंडरकास्ट है, कैश अकाउंट अगर आपका अंडरकास्ट होता है 2000 से, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आप क्या रिकॉर्ड करते मेरे दोस्त, बताओ फटाफट से, बोलो। इसकी रेक्टिफिकेशन क्या होती है? अगर हमने कैश अकाउंट का टोटल गलत लिख दिया तो सर आसान है, हम कैश अकाउंट को करते डेबिट, क्या करते? कैश अकाउंट को डेबिट करते और सस्पेंस को करते क्रेडिट। क्या करते? सस्पेंस को करते क्रेडिट। सर मेरे को एक बात बताओ ना भैया, मुझे एक बात बताओ। अब अपने यहाँ पे कैश अकाउंट क्यों लिखा, आपने पीएनएल एडजस्टमेंट क्यों नहीं लिखा? क्या मुझे एक सिंपल सी बात बता सकते हो आप? क्या कैश अकाउंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करता है क्या? क्या कैश अकाउंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करता है क्या? नहीं सर, नहीं करता है ना, कैश आपके प्रॉफिट एंड लॉस को तो इफेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, बहुत डीप में चलेंगे, सुनो मेरी बात। आपने क्या किया था, आपको अगर याद हो तो आपने बैलेंस शीट में सस्पेंस लिखे थे एसेट साइड पे, आपने बैलेंस शीट में सस्पेंस लिखे थे एसेट साइड पे 2000। इसका मतलब आपने एसेट में 2000 रुपए दिखाए थे, बट ये सस्पेंस नहीं है, ये कैश है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई आपके एसेट में जो भी कैश आ रहा होगा, मान लो 10,000, तो वो 10,000 नहीं था, वो 12,000 था। सिंपल सी बात क्या है कि भाई वो 10,000 नहीं थे, वो 12,000 थे, 2,000 रुपए कैश के ही थे। तो यार इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बस आपको कैश का बैलेंस इंक्रीज करना है, आपको बस कैश का बैलेंस इंक्रीज करना है। बस वही तो किया हमने, हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया और सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। ठीक है अभिषेक, कैश अकाउंट रियल होता है बेटा, रियल। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? बोलो फटाफट से बोलो, 100 बात की 1 बात कि जब आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, तो रेक्टिफिकेशन नॉर्मल तरीके से होगी। आप सस्पेंस यूज करोगे? बिल्कुल यूज करोगे सर, बिल्कुल यूज करोगे, आपने सस्पेंस अकाउंट यूज करना है। बस जहां पे भी आपका नॉमिनल अकाउंट आएगा वहां पे आपको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है, बिल्कुल सही बात है सर। और जहां पे भी रियल और पर्सनल अकाउंट आएंगे वहां पे रियल और पर्सनल ही लिखने हैं। क्या मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ गई है? फटाफट से बोलो, क्या ये बात क्लियर है? एवरीबडी जल्दी से मुझे बताओ, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स कैसे रेक्टिफिकेशन करनी है? अभी कुछ कॉन्सेप्ट और भी है इसमें, लेकिन वो धीरे धीरे करेंगे। यहां तक क्लियर है? मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आ जाओ जरा क्वेश्चन पे, आ जाओ भैया, इलस्ट्रेशन नंबर 8 मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग ही लेवल का इलस्ट्रेशन है भाई, अलग ही लेवल का। आ जाओ और इसको अलग ही लेवल पे समझेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, अच्छा ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 में है क्या, मेरी बात जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको क्या बोला? मिस्टर रॉय, अच्छा, वॉज अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। अब आपको पता होना चाहिए, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हो। पहली स्टेज पे कर रहे हो मतलब बिफोर ट्रायल बैलेंस, सेकंड स्टेज पे कर रहे हो आफ्टर ट्रायल बैलेंस लेकिन बिफोर अकाउंट्स, बिफोर फाइनल अकाउंट्स या आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। अगर आपको ये बोल रहा है कि अनेबल टू एग्री ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर,
तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई पिछले साल के अकाउंट्स तो बन चुके हैं, पिछले साल के फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, जिसका मतलब दिस इज स्टेज थ्री। उसने बता दिया है कि दिस इज स्टेज थ्री, कि भाई लास्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा है ये, तो पिछला साल तो चला गया, फाइनल अकाउंट्स तो बन गए। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, ये है वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन, इन्होंने क्या ही गलती करी है। एंड रॉट ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, इसको मैं समझाऊंगा एंड में, मैं आपको बताता हूँ किया क्या इसने। आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, हाँ जी बनाया, और ट्रायल बैलेंस में जो भी मिस्टेक आती है मुझे बताओ उसको कहाँ लिखना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ भी मिस्टेक आती है तो मुझे बताओ उसको लिखना कहाँ चाहिए। हाँ जी बताओ बताओ बताओ, आप सस्पेंस अकाउंट में लिखते हो उसको, कहाँ लिखते हो? सस्पेंस अकाउंट में, आप उसको सस्पेंस अकाउंट में लिखते हो। लेकिन ये महाशय, ठीक है, ये महान व्यक्ति, अब इन्होंने क्या किया है, मिस्टर रॉय ने क्या किया है, रोने वाले काम करे हैं। इन्होंने सस्पेंस अकाउंट में नहीं लिखा, इन्होंने जो भी डिफरेंस आया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। क्या कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो गोयल जी ने बात करी थी कि सर हमारा जो भी डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों नहीं जाता, इन्होंने करा है बेटा, जाता तो नहीं है लेकिन इन्होंने करा है। इस केस में क्या करेंगे ये हम क्वेश्चन के एंड में डिस्कस करेंगे, ये मैं आपको क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा, पहले हम रेक्टिफिकेशन एंट्री सीखते हैं, ठीक है। ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको अपॉइंट किया गया है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, राइट, आपको अपॉइंट किया गया कि प्लीज हमें ठीक करके दे दीजिए बुक्स, हमें बुक्स ठीक करके दे दीजिए। तो क्या आप तैयार हैं, शुरू करें इस खेल को, आ जाओ भाई आ जाओ। पहली ट्रांजेक्शन देखो, पहली ट्रांजेक्शन क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो, पहली ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट ₹3,000। हाँ जी, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नॉर्मल एंट्री क्या करोगे, बताओ भाई बताओ, इसको रेक्टिफाई करना, बाकी सब भूल जाओ, जैसे आप रेक्टिफिकेशन करते हो बिल्कुल वैसे बताओ क्या करोगे आप। डेनवर ने बोला स्कूटर टू कैश, अरे कैश कहां से आ गया इसमें, अरे सौम्या स्कूटर टू कैश कहां से आ रहा है ये, स्कूटर टू कन्वेंस अकाउंट, बिल्कुल सही, मेरी बात सुनो, हुआ क्या, ठीक है, इसका क्या करो, एक प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मेट बना लो, इसका एक प्रॉपर तरीके से आप एक फॉर्मेट बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हम बना लेते हैं इसका एक फॉर्मेट, देखो यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको बोला क्या है, आपको बोला है, सुनो समझो बात को, कि आपको बोला क्या गया, आपको बोला गया कि यार आपके पास एक स्कूटर थी, आपने स्कूटर परचेज करी, स्कूटर आपने कन्वेंस अकाउंट में डाल दी, कन्वेंस अकाउंट में डाल दी मतलब आपको एंट्री करनी क्या थी, आपको एंट्री करनी थी स्कूटर टू कैश, ठीक है, आपको एंट्री क्या करनी थी, स्कूटर अकाउंट डेबिट या व्हीकल अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक सेकेंड रुको, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, रुको भाई, ठीक है, स्कूटर टू कन्वेंस सब बच्चों ने बोला सर, स्कूटर टू कन्वेंस, ओके, सुनो मेरी बात सुनो, इसको जरा करते हैं एक बार ठीक। ठीक है, देखो भाई देखो, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि आपको एंट्री जो करनी थी वो थी स्कूटर टू कैश, क्या करनी थी, स्कूटर टू कैश, और राइट, तो ये एंट्री आपने करी, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपको करना था, लेकिन आपने कन्वेंस अकाउंट में डाल दिया। कन्वेंस का मतलब जो आपका आने जाने का किराया होता है ना, जो आपका कन्वेंस होता है, ₹3,000 की स्कूटर, सर ₹3,000 की कौन सी स्कूटर आ रही है बेटा, अब ये तो भगवान जाने कौन सी आ रही है। आपने क्या कर दिया, कन्वेंस अकाउंट कन्वेंस टू कैश ₹3,000। तो बेटा रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे मुझे बताओ, रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे, कैश में कोई गलती नहीं है, कैश में तो कोई गलती नहीं है, हाँ सर नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं पहली रेक्टिफिकेशन की तो आप क्या बोलोगे, सर देखो स्कूटर को डेबिट करना था तो करो ना, कर दिया बेटा, कर दिया 3000 से, आपने कन्वेंस को डेबिट किया, होना ही नहीं था, टू कन्वेंस अकाउंट क्रेडिट कितने से, 3000 से, सबको समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कोई भी अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्या यहाँ पे आपका कोई भी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, बोलो फटाफट से बोलो, क्या इन दोनों में से कोई भी नॉमिनल अकाउंट है, मतलब कोई एक्सपेंस इनकम रेवेन्यू है क्या,
बोलो। आयुष ने बोला यस यस यस। देखो स्कूटर जो है वो तो आपका एसेट है, स्कूटर जो है वो आपका एसेट है, क्या है एसेट। लेकिन जो ये कन्वेंस है, कन्वेंस क्या होता है, जो आपका फ्रेट होता है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस होता है, तो इसकी जगह क्या लिखें बच्चों, इसकी जगह लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 3000 रुपीज। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई। तो आपको बस यही करना है कि भाई जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट्स होंगे उसकी जगह आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखना है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने वही डिस्कस किया, अगर आप यहाँ पे कन्वेंस लिखते तो मतलब ये जाता इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो वहां जाता। लेकिन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालना है, हमें इस साल के प्रॉफिट को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, हमें एक अलग अकाउंट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको, एवरीबडी जल्दी से बोलो समझ में आया क्या, आया क्या, आ गया ठीक है। आते हैं फटाफट से सेकेंड एंट्री पे, बस बेटा ऐसे ही करनी है, ऐसे ही करनी है, इजी है इजी। देखो देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको बोला है कि भाई जो परचेज बुक है, जो आपकी ये परचेज बुक है वो ओवरकास्ट है बाय 10,000 रुपीज। क्या है 10,000 रुपीज बुशरा, डेप्रिसिएशन बेटा बाद में देखेंगे, उसको टेंशन मत लो बाद में देखेंगे। मुझे बताओ परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000, बोलो फटाफट से बोलो, आपका परचेज अकाउंट ओवरकास्ट हो गया कितने से, 10,000 से। मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, सिंपल सी चीज़ बताओ कि आपको एंट्री करनी क्या थी। पहले आप सोचो नॉर्मल एंट्री क्या होगी, नॉर्मल एंट्री सोचो कि भाई परचेज बुक ओवरकास्ट है तो इसका मतलब आपको परचेज को क्या करना है, क्रेडिट करना है, आपको अपने परचेज को कम करना पड़ेगा ना, आपने ज्यादा दिखा दिया, ओवर मतलब ज्यादा, तो परचेज अकाउंट तो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट कितने से, 10,000 से। सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हाँ सर ठीक है। और डेबिट में क्या आएगा, अरे सस्पेंस। अब अगर आपका जर्नल एंट्री नहीं बन रही है तो इसका मतलब सस्पेंस, बोलो हाँ या ना। नॉर्मली आप यही एंट्री करते, करेक्ट है, आप यही एंट्री करते या नहीं करते, बोलो ना यार प्लीज बोलो ना, आप लोग बोलो ना, बोलते नहीं हो आप लोग, क्या करते हैं सस्पेंस टू परचेज, सस्पेंस टू परचेज। अब यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है क्या, बोलो क्या यहाँ पे कोई नॉमिनल अकाउंट है क्या, यस सर हाँ जी बिल्कुल है, परचेज है ना, परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट। इसका मतलब इसकी जगह क्या आएगा आपका, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, इसकी जगह क्या आएगा आपका, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपको अब समझ में आ गया, आ गया आ गया आ गया, बहुत बढ़िया भाई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और समझाना बहुत मुश्किल होता है इसको, ठीक है। आ जाओ फटाफट से थर्ड पे आ जाओ, थर्ड देखो, थर्ड, थर्ड क्या बोलता है, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अच्छा आपने गुड्स परचेज करे क्रेडिट, फ्रॉम मिस्टर पी वॉज एंटर्ड एज सेल्स। अरे अरे अरे, आपने गुड्स परचेज करे मिस्टर पी से और आपने एंट्री कर दी सेल की, किसकी सेल की, आ जाओ भाई आ जाओ, जरा देखते हैं, देखते हैं जरा क्या किया आपने, है ना। देखो आ जाओ थर्ड देखते हैं, एक बार आराम से थर्ड देखते हैं, अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो देखो हुआ क्या, हुआ क्या, आपको एंट्री करनी क्या थी, अगर आप देखोगे एंट्री करनी क्या थी, आपको परचेज की एंट्री करनी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई करंट एंट्री क्या होगी, इसकी करंट एंट्री होगी परचेज टू पी, क्या होगी परचेज टू पी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, आपको क्या करनी थी, परचेज टू पी करनी थी सर, परचेज टू पी करनी थी, हाँ जी बिल्कुल करनी थी, कितने से करनी थी सर ये भी बता दो, हमको 2000 से करनी थी, कितने से, 2000 से सर, 2000 से, अच्छा ठीक है 2000 से आपने करी, लेकिन 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 आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी है, पी टू सेल्स, आपने पी टू सेल्स करा कितने से, 2000 से, अच्छा 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 हाँ ठीक है सर, ठीक है समझ गए। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, पहली बात, तो पहली बात मुझे एक बात बताओ, जो भी आपकी रॉन्ग एंट्री है इसको कर दो रिवर्स, क्या कर दोगे, इसको कर दोगे रिवर्स, है ना। सब बच्चों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया, कोई बात नहीं बेटा मैं करवा लूँ फिर भी, रिवर्स करेंगे सर। रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया कि सेल्स को आपको डेबिट करना है, सेल्स को डेबिट करना है और पी को करना है क्रेडिट, यही करेंगे। रिवर्स का मतलब क्या है, सेल्स डेबिट टू पी, ये सब आपको क्या करना है रफ में, ठीक है। अब देखो आपको परचेज को डेबिट करना था तो परचेज को डेबिट करो, परचेज को डेबिट करो कितने से, 2000 रुपये से। अब आपको सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि आपने सेल्स को करा था क्रेडिट, तो सेल्स को डेबिट करो कितने से, 2000 रुपये से। अब अगर बात आती है पी की, किसकी बात आती है पी की,
तो आपने पी को 2000 से करना क्रेडिट, अच्छा ठीक है, और यहाँ भी 2000 से क्रेडिट, इसका मतलब पी में 4000। भाई इस रेक्टिफिकेशन एंट्री में तो किसी को डाउट नहीं है, सबने मुझे ऑलरेडी ये बता रखी है, परचेज डेबिट सेल्स डेबिट टू पी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट कौन से? यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है आपके परचेज और सेल्स। तो बस 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 मेरे दोस्त, किस बात का इंतजार है? एंट्री देखो, एंट्री देखो, इसका मतलब क्या होगा? आप परचेज और सेल्स के लिए क्या लिखोगे? पीएनएल एडजस्टमेंट। क्या लिखोगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, राइट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट आपने किया, कितने से किया आपने डेबिट? आपने किया 4000 से। कितने से किया? 4000 से। और आपका पी जो है वो तो एक पर्सनल अकाउंट है सर, पी को आपने किया 4000 से क्रेडिट। बोलो फटाफट से, सबको समझ में आ गई है? हेलो कीर्ति, थैंक यू सो मच, समझ में आ गई सबको? बोलो फटाफट से बोलो। आसान है सर, अब तो आसान लग रहा है हमें, अब तो आसान लग रहा है, अब समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो बोलो फटाफट से कि हाँ सर समझ में आ गया, मजा आ गया, आ गया, क्लियर है? ओके ओके, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ऑल राइट। करें फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट एंट्री, क्वेश्चन नहीं एंट्री। आ जाओ सर, सितंबर एग्जाम्स आर कमिंग, गेटिंग वेरी नर्वस, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। कीर्ति, ये सब बातें करेंगे या तो क्लास के एंड में या फिर इंस्टाग्राम पे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? आ जाओ फटाफट से, आ जाओ। देखो एंट्री नंबर फोर, क्योंकि अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस पर फोकस करते हैं। एंट्री नंबर फोर क्या है? देखो, रिसीट ऑफ कैश। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको बोला रिसीट ऑफ कैश, पैसा मिला आपको, मुबारक हो। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। अरे तो बहुत ईजी हो गया, ये तो ज़्यादा ही आसान हो गया कि आपको पैसे मिले मिस्टर ए से, अच्छा ठीक है, और आपने मिस्टर बी के अकाउंट में डाल दिए। किसके अकाउंट में डाल दिए? मिस्टर बी के अकाउंट में डाल दिए। मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको जब पैसे मिले, ये तो बहुत आसान है यार, आपको जब पैसे मिले तो आप क्या करोगे? आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। किससे पैसे मिलने चाहिए थे भाई, ये बताओ, पैसे मिलने किससे थे? आपको मिलने थे ए से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए करना था, आपको कैश टू ए करना था, लेकिन आपने क्या किया, ए की जगह बी को अकाउंट में डाल दिया, आपने बी के अकाउंट में डाल दिया, ए की जगह आपने पोस्टिंग कर दी बी में। तो आसान है ना, आपको बी के अकाउंट में डालने नहीं थे तो इसका मतलब बी का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, आपको ए के अकाउंट में डालने थे तो ए का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। बोलो हाँ या ना, ये तो बच्चों वाली एंट्री है सर, हमने इतनी बढ़िया बढ़िया एंट्री कर ली है, क्या पूछ रहे हैं हमसे बेटा, हर एक क्वेश्चन में ऐसी एंट्री आती है। B2A बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है, B2A हमने कर दिया 1000 रुपीज़, कितना कर दिया हमने 1000 रुपीज़ हमने कर दिया बी डेबिट टू ए, क्लियर है? सबने मुझे ऑलरेडी ये एंट्री बता दी है। आ जाओ फिफ्थ पे, आ जाओ फिफ्थ पे, आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ, फिफ्थ एंट्री देखते हैं एक बार फटाफट से, आओ। अब फिफ्थ एंट्री क्या बोलता है, ये फिफ्थ बोलता है कि आपको कैश रिसीव हुआ, रिसीट ऑफ कैश, ओके, फ्रॉम मिस्टर सी, ऑल राइट, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अरे ये भी आसान है, ये भी हमने बहुत कर ली, ये भी हमने बहुत ज़्यादा कर ली है, ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको क्या हुआ, मिस्टर सी से पैसे मिले, तो मुझे एक बात बताओ, आपको क्या करना चाहिए था, कैश अकाउंट को डेबिट और मिस्टर सी को क्रेडिट। बोलो हाँ या ना, मिस्टर सी आपका होना था क्रेडिट, कितने से? 500 रुपये से, 500 रुपीज़ से, करेक्ट बोल रहा हूँ मैं, राइट। लेकिन मेरे दोस्त, आपने मिस्टर सी को डेबिट कर दिया, कितने से? 500 रुपये से, आपने मिस्टर सी में डेबिट कर दिया, तो बेटा ये कौन सी गलती हो गई, समझ गए? तो पहले तो आपने उसके गलत साइड में डाला है, तो जो आपने डेबिट में 500 डाले हैं, इसको रिवर्स करोगे क्रेडिट में 500, इसको रिवर्स करने के क्रेडिट में 500, तो एक तो आपको 500 से क्रेडिट करने हैं और एक 500 से और करने हैं क्रेडिट, जो कि सही है। इसका मतलब आपको 1000 रुपये से करना है क्रेडिट, क्या करना है, 1000 से, सिंपल सी बात है। अगर आपने 500 डाल दिए डेबिट साइड पे, तो अब आपको 1000 डालने होंगे क्रेडिट साइड में, ताकि अकाउंट का बैलेंस 500 से क्रेडिट आ सके। सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब एंट्री क्या हो जाएगी सर, एंट्री बहुत सिंपल हो जाएगी सर, हमें सी को करना है क्रेडिट, सी को कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने सी को करा क्रेडिट, कितने से? 1000 रुपीज़ से, और डेबिट में कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता, अगर किसी का कोई नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट है,
सस्पेंस टू सी 1000। यहाँ पे कोई नॉमिनल अकाउंट तो है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात इसलिए है नहीं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? एवरीबडी समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करते हैं। बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है, चैप्टर खत्म होने वाला है। आ जाओ। देखो, सस्पेंस अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस ऑन क्रेडिट विल बी डेबिट इन जर्नल एंट्री। ओके, देखो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स, एंट्री नंबर सिक्स देखते हैं कि 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वॉज ऑमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। ये तो ऑमिशन हो गया यार, ये कितना आसान पूछ रहा है हमसे। अरे हमसे मुश्किल पूछो, आसान पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि भाई सुनो, ड्यू बाय मिस्टर क्यू का मतलब क्या है? मिस्टर क्यू ने पैसे देने थे। मिस्टर क्यू आपका डेटर है। मिस्टर क्यू आपका कौन है? डेटर है ना। ड्यू बाय मिस्टर क्यू लिखा है तो इसका मतलब मिस्टर क्यू जो है वो आपका डेटर है। ऑमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, आपने उसको ट्रायल बैलेंस में लिखा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब आपने क्या गलती करी है? हाँ जी, क्या गलती करी है? बोलो। डेटर टू सस्पेंस बोला आयुष ने, बिल्कुल सही। आपको मिस्टर क्यू को डेटर के बैलेंस में ऐड करना चाहिए था। बोलो हाँ या ना भाई। मिस्टर क्यू एक डेटर है तो आपको क्या करना चाहिए था? डेटर में ऐड करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था सर, डेटर को डेबिट करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। आपने नहीं किया, गलती कर दी। पता नहीं कितनी गलतियां करोगे सर आप। देखो, ये मिस्टर रॉय ने बहुत गलतियां करी है भाई, सिंपल गलतियां करी है। देखो ध्यान से, हमारी सिक्स्थ एंट्री क्या हो जाएगी? हम डेटर को करेंगे डेबिट। डेटर विल बी डेबिटेड, मिस्टर क्यू डेटर है, डेटर को डेबिट किया कितने से? 500 रुपए से, टू सस्पेंस। सर ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 500 रुपीज, राइट? सर प्लीज क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर ऑफ कमीशन। देव कंटेंडर जी, एरर ऑफ कमीशन मे इफेक्ट मे नॉट इफेक्ट, ठीक है? तो आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? हाँ जी बच्चों, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? कि आपने गलत अमाउंट लिख दिया, गलत अकाउंट में लिख दिया, गलत साइड में लिख दिया, ये सब गलती है। तो भाई वो डिपेंड करता है आपने गलती कौन सी करी है, तो उस पर डिपेंड करेगा आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है या नहीं होता। फिक्स नहीं होता कि एरर ऑफ कमीशन से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा ही होगा या नहीं होगा, गलती पर डिपेंड करता है। सर ऐसी सिंपल गलती वो एग्जाम भी कर लेगा तो अच्छा होगा। अच्छा, कोमल जी पता है ये एग्जाम का क्वेश्चन है? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है अभी क्वेश्चन में, लेकिन काफी कुछ बाकी है, अभी तो हम एंट्रीज कर रहे हैं। देखो, आ जाओ सेवेंथ पे। क्या बोलता है? सेवेंथ बोलता है सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर, अच्छा, अगेन वॉज ऑमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अरे भाई क्या बोल रहा है ये? सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर ऑमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी सेल। अच्छा भाई, मिस्टर आर को बुला लिया होगा मिसेस आर ने, उसने भूल गया। ठीक है, क्या करेंगे हम? रिकॉर्ड करेंगे, आ जाओ फटाफट से, रिकॉर्ड करेंगे आर टू सेल्स, कंप्लीट ओमिशन। बिल्कुल सही, दिस इज कंप्लीट ओमिशन, पूरा ही भूल गया भाई वो। ओके, चाय पीने चला गया वो, चाय पीने। ठीक है, मीमी, अच्छा ताने कह रही है सर मीमी ने बुलाया होगा उसको। अच्छा ठीक है बेटा, मीमी ने बुलाया होगा। हाँ जी, क्या एंट्री करेंगे? हमें करना है मिस्टर आर को डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मिस्टर आर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल एंट्री करनी है। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पे आर को तो डेबिट किया, लेकिन क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा? मुझे बताओ, क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा? नहीं, सेल्स अकाउंट नहीं होगा क्रेडिट। क्यों? क्योंकि सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट होगा क्रेडिट, बस इसी चीज का आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं है, राइट? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, बिल्कुल सही सब बच्चे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आ जाओ फटाफट से एट्थ एंट्री पे आ जाओ। हाँ जी, लास्ट एंट्री देखो फटाफट से, एट्थ क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। अरे 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 यार, आपने परचेज डालते हुए गलती कर दी। आप जब परचेज को ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है, परचेज का बैलेंस, आपने गलती कर दी। बोलो भाई क्या करेंगे? बताओ। हाँ जब 198 का डिफरेंस आ रहा है,
आपने अमाउंट जब ट्रांसफर किया परचेज का वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। क्या करेंगे बोलो बोलो क्या करेंगे। सस्पेंस टू परचेज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सस्पेंस टू परचेज बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओवरकास्ट जैसा है, बिल्कुल सही है पराजिता, कि दिस इज काइंड ऑफ ओवरकास्ट, कि आपने परचेज को ज्यादा दिखा दिया। क्या दिखा दिया? परचेज को ज्यादा दिखा दिया। कितने से? 198 से। 198 से आपने परचेज को ज्यादा दिखाया है। इट मीन्स कि आपको परचेज को करना चाहिए था क्रेडिट। क्या करना चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए था, राइट? ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, आप करोगे क्या? आप इसको करोगे क्या? सुनो सुनो सुनो, हम परचेज की जगह क्या करेंगे? परचेज की जगह हम लिखेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है? क्योंकि परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है। कितने से? 198 से। 198 से। और डेबिट क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। डेबिट क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 198 से। सर हो गए हो गए, ओ बल्ले बल्ले, देखो हो गए, एंट्रीज हो गई। अभी देखो उसके नीचे ना आपको एक चीज और दे रखी है, सुनो मेरी बात। आपको क्या बोला है देखो, उसने बोला है कि भाई डेप्रिसिएशन भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोल रहा है? ये कह रहा है डेप्रिसिएशन है। देखो आर यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। अच्छा, अब देखो इसका इफेक्ट कहां पे आएगा? अभी देखो देखो, आपने क्या किया था? अगर आपको पहली एंट्री याद हो, आपकी पहली एंट्री अगर आपको याद हो, फर्स्ट एंट्री, तो यहां पे आपने अपने स्कूटर को 3000 से डेबिट किया था। मतलब 3000 रुपीज से आपने स्कूटर को रिकॉर्ड किया था। बोलो हाँ या ना? 3000 रुपीज से आपने क्या किया था? स्कूटर को रिकॉर्ड किया था। अब ये कह रहा है यार उस पे ना डेप्रिसिएशन भी लगाता हूं मैं 10% पर एनम का, तो इसका मतलब आपको इस पे 300 रुपए का क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। बोलो हाँ या ना? क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। गोयल ने बोला डेप्रिसिएशन डेबिट टू व्हीकल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन होना चाहिए था डेबिट, लेकिन मेरे दोस्त डेप्रिसिएशन अगेन नॉमिनल अकाउंट है, तो हम क्या डेबिट करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या डेबिट करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने से? 300 रुपए से। टू स्कूटर आपका कितना आ गया? 300 रुपए। बोलो हाँ या ना? आसान है, यस और नो एवरीबडी? इजी, जल्दी बोलो मुझे, फटाफट से बोलो। हमारी एंट्रीज हो चुकी है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है। एंट्रीज हमारी सारी हो चुकी है सर, अब क्या बचा है? बेटा बचा है, अभी बचा है, तभी तो कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो मुझे फटाफट से, यहां तक एंट्रीज सबको क्लियर हो गई? एंट्रीज मुझे बताओ सबको क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई सर, बिल्कुल हो गई। ठीक है, आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, अब मेरे साथ आप क्या बनाओगे? मेरे साथ, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो, जब भी आपका आफ्टर फाइनल अकाउंट्स वाला क्वेश्चन आएगा उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। सर क्यों बनाना है? अभी बता रहा हूँ। विल ऑल नॉमिनल अकाउंट? यस यस यस, बिल्कुल देव, हमने यही तो डिस्कस किया बेटा आज, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमको बनाना है, क्यों? अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी बता रहा हूँ, बिना बताए तो जान नहीं दूंगा मैं आपको। ऐसा कुछ है जो मैंने नहीं बताया? देखो फटाफट से, ये हम एक छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट बना लो एक छोटा सा, इसमें क्या करेंगे हम अभी देखते हैं क्या करेंगे। ये हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, अब देखो जो भी आपने एंट्रीज करी है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वाली, जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज करी है वो सब क्या कर दो? इस अकाउंट में पोस्ट कर दो। ठीक है, लेजर की तरह पोस्ट कर देंगे। बिल्कुल सही, देखो देखो देखो, सबसे पहले देखो अब पीएनएल एडजस्टमेंट कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। हां जी आ रहा है। दिस इज स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 300। मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय स्कूटर। अरे स्कूटर स्कूटर कितने की? कितने की? 3000 रुपीज की। ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड क्या यहां पे आ रहा है? हां जी आ रहा है। अगेन पीएनएल एडजस्टमेंट क्या हो रहा है? क्रेडिट 10,000 से बाय सस्पेंस। बाय सस्पेंस अकाउंट आपका कितने से? 10,000 से। सस्पेंस आपका आ गया कितने से? 10,000 रुपीज से। कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी, अगेन आ रहा है टू पी 4000। हर एंट्री में आ रहा है ये, तो
2P ₹4,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद फोर्थ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, फिफ्थ में भी नहीं आ रहा, सिक्स्थ में भी नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आपका सेवन्थ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सेवन्थ में अगर आप देखोगे तो PNL एडजस्टमेंट हो रहा है क्रेडिट बाय मिस्टर आर, बाय मिस्टर आर। अच्छा, बाय मिस्टर आर कितने से था, ये तो मैंने देखा ही नहीं, कितने से था भाई, 2000 से, 2000 रुपीज़ से आप लिखोगे बाय आर में, लिख दिया, हाँ जी लिख दिया। क्या इसके बाद और कुछ है, हाँ जी है, अगेन सस्पेंस डेबिट टू PNL एडजस्टमेंट, तो PNL एडजस्टमेंट अगेन हो रहा है क्रेडिट बाय सस्पेंस 198, बाय सस्पेंस 198। और उसके बाद लास्ट आपका क्या है, PNL एडजस्टमेंट टू स्कूटर 300, राइट, क्या है 300, तो 2 आपने यहाँ लिख दिया, क्या स्कूटर कितना 300 रुपये। मुझे बताओ पोस्ट हो गया सब कुछ, बी वॉसन की बुक्स के क्वेश्चन कराओ ना, अही कह रही है डोरा जी, हमें स्टडी मटेरियल पे फोकस करना है, वो हो जाएगा तो बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत लो। जल्दी से मुझे बताओ समझ में आ गया, अब जैसे एक लेजर बैलेंस होता है अब वैसे इसको बैलेंस करो, किसके बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, ये आपका क्रेडिट साइड है, ये आपका डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, हमने क्रेडिट साइड का टोटल निकाला 3000, 10000, 2000, 198, ये आपका आ रहा है 15198, डेबिट साइड का आ रहा है 4300, तो कितना बैलेंसिंग फिगर आ रही है आपकी, आपकी आ रही है 10898, कितनी आ रही है 10898, ठीक है, राइट। क्या हमें आफ्टर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या पेपर में, बिल्कुल गोयल जी बनाना पड़ेगा, 15198, ऑल राइट, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ये 10898 क्या है, जरा मुझे पहले तो ये बताओ, अगर आपको स्टार्टिंग की कहानी समझ में आई थी तो मुझे बताओ ये 10898 है क्या, क्या लगता है आपको क्या है ये। आयुष ने बोला नेट प्रॉफिट है, अच्छा ठीक है, और बताओ भाई, और बताओ क्या लगता है आपको क्या है ये, बोलो। हाँ जी देखो, डेप्रिसिएशन छूट गया बेटा, ये रहा डेप्रिसिएशन 300, ये रहा ना, नहीं छूटा। हाँ जी ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है और आपकी डेबिट साइड आ रही है कम, ठीक है, डेबिट साइड आ रही है कम, इसका मतलब ये प्रॉफिट है, ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉफिट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट कौन सा है, ये प्रायर पीरियड आइटम्स का प्रॉफिट है, बोलो हाँ या ना। हमने क्या पढ़ा कि भाई देखो, पिछले साल जो भी आपसे गलतियां हुई है वो गलतियां आपने इस साल रेक्टिफाई करी, और रेक्टिफाई करने के प्रोसेस में आपका 10898 का प्रॉफिट आया, क्या आया है 10898 का प्रॉफिट, दिस इज प्रायर पीरियड आइटम्स, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या होता, इसको मैं ट्रांसफर करता वहां पे, लेकिन यहां पे इन्होंने क्या बोला कि देखो यार सिंपल सी बात है, आपके बुक में क्या है, स्टडी मटेरियल में क्या है, देखो सिंपल सी बात है, ये 10898 क्या है, प्रॉफिट, क्या है आपका प्रॉफिट है। अब अगर ये प्रॉफिट है तो अल्टीमेटली ये किस में ट्रांसफर करोगे, कैपिटल अकाउंट में, भाई अगर प्रॉफिट है तो कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यहां पे सोल प्रोप्राइटर है, जो रॉय है, रॉय वो क्या है, सोल प्रोप्राइटर है, तो जो भी प्रॉफिट है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो आप क्या करो, जो भी प्रॉफिट है वो डायरेक्टली उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, टू रॉयस कैपिटल अकाउंट, क्या कर दो, टू रॉयस कैपिटल अकाउंट। प्रैक्टिकली क्या होता है, मैंने आपको बता दिया प्रायर पीरियड आइटम्स वो सब चीजें, लेकिन आपके बुक में जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो भी आपका प्रॉफिट आएगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, कुछ भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से कुछ भी आएगा, वो आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, वो आपको रॉय के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ गया, सर खत्म हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, होगा बेटा होगा। मुझे बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है, हमारा PNL एडजस्टमेंट हो चुका है, जल्दी से मुझे बोलो, यस सर। अब आते हैं क्वेश्चन की पहली लाइन पे, जो हमने अभी ट्रीट नहीं करी, क्वेश्चन की पहली लाइन पे आते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने आपको कहा था ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आ जाओ फटाफट से आ जाओ कि भाई इसमें एक्चुअली में है क्या, सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। हुआ क्या था कि भाई देखो, पिछली बार जो भी आपने गलतियां करी है, वो गलतियां आपने कहां ट्रांसफर कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, कहां ट्रांसफर कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बोलो हाँ या ना।
कि भाई पिछले साल आपका ट्रायल बैलेंस का जो भी डिफरेंस आ रहा था, जो भी डिफरेंस आ रहा था, वैसे तो लॉजिकली वो सस्पेंस अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है भाई। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला कि आपने वो डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि करना नहीं चाहिए था लेकिन कर दिया। क्या कर दिया? कर दिया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। इसका मतलब क्या है कि भाई आपने सस्पेंस अकाउंट एक्चुअली में ओपन ही नहीं किया था। क्या मैं बोल सकता हूँ ये कि भाई एक्चुअली में आपका सस्पेंस अकाउंट का कोई बैलेंस था ही नहीं? था क्या? नहीं ना। आपने जो पिछली बार ट्रायल बैलेंस बनाया उसमें सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस तो था ही नहीं ना। था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। भाई हम तो सस्पेंस अकाउंट बनाते, उसका बैलेंस दिखाते और फिर उसको हम खत्म करते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो भी बैलेंसेस आए हैं वो सारे बैलेंसेस आपने कहाँ ट्रांसफर करे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब पिछले साल के प्रॉफिट को इफेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? पिछले साल के प्रॉफिट को इफेक्ट कर दिया, या मैं बोल सकता हूँ कि आपने रॉय का कैपिटल अकाउंट इफेक्ट कर दिया था। रॉय के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस डाल दिया था। बिल्कुल सही बात है यार। इसका मतलब ये है कि जो मैंने अभी सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन करी है, उस सस्पेंस अकाउंट का कुछ बैलेंस आ रहा होगा सर। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहले आप क्या करो, एक सस्पेंस अकाउंट बनाओ। आ जाओ, हम एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या बनाएंगे? सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। ये हमने एक छोटा सा सस्पेंस अकाउंट बनाया। अच्छा ठीक है सर, बना लिया हमने भी फॉर्मेट। ठीक है राइट, ये हमने बनाया सस्पेंस अकाउंट। सुन लो ध्यान से, समझ में आएगा भाई, कोई मुश्किल नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनो, सस्पेंस अकाउंट आपने बनाया, जो भी आपने सस्पेंस में अब एंट्रीज डाल रखी है सर। जैसे कि देखो, आ जाओ, ये हमने ऊपर किया। आ जाओ फटाफट से आओ। हाँ जी, जैसे कि पहली एंट्री में सस्पेंस नहीं है, सेकेंड में है सस्पेंस डेबिट टू पी एन एडजस्टमेंट। तो सस्पेंस आप डेबिट करोगे। तो यहाँ पे आपने लिखा टू पी एन एल एडजस्टमेंट। कितना? 10,000। अच्छा ठीक है, एक बार बनाओ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ राइट। इसके बाद आप देखोगे थर्ड में सस्पेंस नहीं है, फोर्थ में सस्पेंस नहीं है, फिफ्थ में सस्पेंस है, सस्पेंस डेबिट टू सी। तो सस्पेंस आपने डेबिट किया टू सी। कितने से? 1,000 रुपये से, 1,000 रुपीज से। ठीक है, ऑल राइट, सस्पेंस डेबिट किया। उसके बाद आपका सिक्स्थ में भी है। हाँ जी सिक्स्थ में भी है। डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तो सस्पेंस आपने किया क्रेडिट बाय डेटर। बिल्कुल किया सर, बाय डेटर, है ना। कितने से? अगेन 1,000 से, 1,000 ही है ना। कितना था ये? 500 से, सॉरी 500 से, 500, ये 1,000 नहीं है, दिस इज 500। ओके, इसके बाद क्या है आपका? इसके बाद है क्या कुछ? नहीं, सेवन्थ में नहीं है, एट्थ में है। सस्पेंस डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट आपका कितना है? 198। और कुछ है क्या? और कुछ है बोलो। नहीं, और कुछ नहीं है सर, और कुछ नहीं है भाई, और कुछ नहीं है, बोलो फटाफट से। यहाँ तक बन गया। बैलेंस निकालो, बैलेंस कितना आ रहा है इसका? आपने टोटल किया 11,000, ठीक है 11,198, और माइनस किया 500, तो ये आ रहा है 10,698 डेबिट साइड का। अब आ जाओ बेटा, फटाफट से आ जाओ। 105 आ रहा है धारवी, आई थिंक 106 आ रहा है, हाँ 6 आ रहा है, सॉरी, हाँ जी 10,698। अब मेरी बात जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर सस्पेंस का बैलेंस होता, सुन लो मेरी बात, अगर आपने पिछले साल सस्पेंस अकाउंट बनाया होता, क्योंकि बनाना तो चाहिए था, अगर आपने सस्पेंस अकाउंट बनाया होता, ठीक है, सस्पेंस का बैलेंस आ रहा होता, अगर सस्पेंस का बैलेंस आ रहा होता तो वो बैलेंस कितना होता? 10,698। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? समझ लो मेरी बात को भाई। देखो, अगर आपके सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 10,698 आ रहा है, आपने सब कुछ रेक्टिफिकेशन कर दिया, आपने क्या कर दिया? सारा रेक्टिफिकेशन कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक करे हैं, नॉर्मली क्या होता था कि अगर सस्पेंस का कोई भी बैलेंस आ रहा है और फिर आपने रेक्टिफाई किया तो सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाता था। बोलो हाँ या ना। क्या हो जाता था? आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता था। यही होता था कि भाई जो भी सस्पेंस का बैलेंस आ रहा है, ठीक है, फिर आपने रेक्टिफिकेशन करी और फिर रेक्टिफिकेशन करने के बाद वो बैलेंस खत्म हो जाता था। यही होता था। बोलो हाँ या ना भाई, यस और नो तो बोलो।
हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें क्या होता था कि आपको क्वेश्चन में ये बैलेंस वो दे देते कि भाई ये आपका सस्पेंस का बैलेंस है, ये आपका क्या है सस्पेंस का बैलेंस है। तो पहले आप सस्पेंस का बैलेंस लिखते, इन सबको रेक्टिफाई करते और आपका अकाउंट क्या हो जाता, आपका अकाउंट क्लोज हो जाता। करेक्ट है? हाँ सर करेक्ट है। लेकिन किंतु परंतु क्योंकि ये आपने सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाया, आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहाँ ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बेटा मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ये 10698 हम भी कहाँ ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यार अगर आपने सस्पेंस से पिछले साल का प्रॉफिट इफेक्ट कर दिया था, पिछले साल का प्रॉफिट कम या ज्यादा दिखा दिया था, तो इस साल जो भी आपका सस्पेंस का बैलेंस आ रहा है वो मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करूंगा या नहीं करूंगा। ऑफकोर्स ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत कम चांस है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, क्योंकि करेक्टली लॉजिकली तो यही होता है कि सस्पेंस का आपको बैलेंस दे रखा हो। क्या दे रखा हो? बैलेंस। ये वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है, अलग ही टाइप का क्वेश्चन है कि प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, डालना नहीं चाहिए था। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने बैलेंस जो भी आपका डिफरेंस था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया था, तो बेटा ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना चाहिए। बोलो यस और नो, जल्दी से मेरी बात बोलो यस और नो कि भाई इसको भी हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, इसको भी कहाँ डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। अब क्या हो रहा है कि आप जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कैपिटल अकाउंट में आ रहा है। क्या आ रहा है? कैपिटल अकाउंट में। तो ये 10698 भी आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? रॉय के कैपिटल अकाउंट में। आपने पिछले साल जो भी प्रॉफिट या लॉस निकाला होगा वो कहाँ ट्रांसफर किया होगा? कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर किया? कैपिटल अकाउंट में। तो आईसीआई की स्टडी मटेरियल में क्या किया इन्होंने कि डायरेक्टली कहाँ डाल दिया? रॉय के कैपिटल अकाउंट में। कहाँ डाल दिया? रॉय के कैपिटल अकाउंट में। तो जो आपके पीएनएल एडजस्टमेंट का, जो आपके पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस था वो भी कहाँ गया? रॉय के कैपिटल अकाउंट में। और जो आपके सस्पेंस का बैलेंस था वो भी डायरेक्टली आपने कहाँ डाल दिया? रॉय के कैपिटल अकाउंट में। तो अगर पिछले साल आपने सस्पेंस नहीं बनाया है तो इस साल जो भी सस्पेंस का बैलेंस आएगा वो कहाँ ट्रांसफर करोगे? आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन खत्म हो गया, अब मुझे बताओ आपको समझ में आया? आ गया? ओहो, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था। समझ में आ गया? अरे वाह, मजा आ गया भाई, फिर तो मजा आ गया। ऑल राइट, और इसी के साथ क्या हो गया? ठीक है गोयल, एक बार या तो वीडियो दोबारा देखना, एक बार वीडियो दोबारा देखना, एक बार खुद से क्वेश्चन करोगे आ जाएगा समझ में। सर अभी आप कह रहे थे धारी, वही तो मैंने बोला बेटा कि इसको भी कहाँ डालना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट था, ये भी कहाँ जाना चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमने सीखा था। लेकिन हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना डाल के कहाँ डाल रहे हैं? डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि इफेक्ट तो कैपिटल अकाउंट में ही आएगा ना। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो डायरेक्टली कहाँ जा रहा है? कैपिटल अकाउंट में। राइट, मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था। राइट, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आईसीएआई ने जो आपको बताया है करने के लिए वही करेंगे ना, कि क्या करेंगे सिंपल सी बात है, सिंपल सी कि भाई डायरेक्टली आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। बात समझ में आ गई? पूरा समझ में नहीं आया देर, क्योंकि आपने एक तो क्लास लेट ज्वाइन करी है, आपने स्टार्टिंग वाली कहानी सुनी नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग वाली कहानी सुनी होती तो आपको समझ में आता। हाँ जी, किसी को और को कोई डाउट है? अगर किसी ने बीच में ज्वाइन किया था, क्लास के बीच में ज्वाइन किया था, एक बार स्टार्टिंग से क्लास को दोबारा देख लेना, स्टार्टिंग से क्लास को दोबारा देखना। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दोबारा समझा दूंगा। हाँ, आपने मिस कर दिया ना बेटा, मैं तभी आपको बोल रहा हूँ, आपने बाद में ज्वाइन किया। क्या ये क्लियर है? ठीक है भाई, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, बिल्कुल करना है आपको इस क्वेश्चन को खुद से पूरा एक बार अटेम्प्ट करना है क्लास के बाद। ठीक है, इसी के साथ हमारे भाई क्वेश्चन तो हो गए समाप्त, मतलब इलस्ट्रेशन। अब आते हैं फटाफट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो फटाफट से आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। ठीक है, हाँ, रॉट ऑफ का मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। ठीक है, देखो कोमल, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आपको करना क्या है, मेरी बात सुनो। यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है, ये एमसीक्यूज वगैरह तो हम देखते हैं अभी,
ये देखो, ये जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत आसान से दे रखे। नहीं नहीं धारवी, हम ये नहीं कर रहे कि हम गलत कर रहे हैं। देखो देखो धारवी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्योंकि पिछले साल का जो डिफरेंस था उसका इफेक्ट आपने कैपिटल अकाउंट पे दिखाया ना, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया कि जो भी आपका डिफरेंस आ रहा था वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऐसा होता नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है कि आप डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दोगे। लेकिन अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल रहे हो तो जो भी आप सस्पेंस का बैलेंस होगा उसका क्या करोगे, डालोगे तो प्रॉफिट में ही ना, उसका इफेक्ट आप दिखाओगे तो प्रॉफिट या लॉस में ही। ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्टली कहाँ दिखा दिया, कैपिटल अकाउंट में। ऐसा नहीं है कि पिछले साल गलती करते तो इस साल भी गलती करेंगे, नहीं, ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। पिछले साल क्योंकि सस्पेंस का जो भी बैलेंस आ रहा था उसका आपने डायरेक्ट इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, अपने कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया, इसीलिए अब हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, हमें जो भी अब सस्पेंस का बैलेंस आ रहा होगा, जो भी सस्पेंस का बैलेंस आएगा उसका इंपैक्ट किस में दिखाना पड़ेगा, ऑफकोर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या सिंपली कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, हाँ जी, देखो फटाफट से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ दिस फेल टू अग्री एंड द डिफरेंस वॉज पुट इन टू सस्पेंस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोज। अब यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है भाई, साफ साफ बोला कि भाई ट्रायल बैलेंस फेल्ड टू अग्री और आपका डिफरेंस कितना आ रहा है 20570 और आपने सस्पेंस में डाला, जो कि होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। हाँ सर बिल्कुल यही होना चाहिए था कि आपको सस्पेंस में डालना चाहिए था। तो इसका मतलब ये कौन सी स्टेज की बात कर रहा है मुझे बताओ पहले तो, ये कौन सी स्टेज की बात कर रहा है, सेकेंड या थर्ड? देखो फर्स्ट तो है ही नहीं, फर्स्ट तो नहीं है, तो ये सेकेंड स्टेज की बात कर रहा है या थर्ड की बात कर रहा है, बोलो फटाफट से, इज दिस द सेकेंड स्टेज और द थर्ड स्टेज? क्या लगता है आपको, आपको क्वेश्चन रीड करके क्या लग रहा है कि सेकेंड स्टेज है या थर्ड स्टेज है, बोलो ना। देखो 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 फटाफट से देखो बेटा, अगर थर्ड स्टेज होगी तो थर्ड स्टेज में आपको बता रखा होगा या तो आपने अपनी बुक्स को क्लोज कर दिया या आपको बोला होगा ट्रायल बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर जैसे गिवन था, तो दिस इज द सेकेंड स्टेज। सब बच्चों ने सही बोला है, सेकेंड स्टेज है, दिस इज द सेकेंड स्टेज। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सस्पेंस अकाउंट आपने खोल रखा है, इसको अगेन आप ट्राई करोगे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा इसको। ठीक है, इसको आप अगेन ट्राई करोगे, होमवर्क में है, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है सुनो फटाफट से, मैं एक बार बता रहा हूँ आपको करना क्या है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। सेकेंड, अगेन आपको क्या बोला, ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बेयरिंग्स यू फाइंड दैट डेबिट इज इन एक्सेस बाय 150, आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया और आपको पता चला ये गलतियां हैं। क्या है ये गलतियां, अगेन दिस इज द सेकेंड स्टेज। क्या है ये, अगेन ये आपकी सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज है सर, हाँ ये आपकी सेकेंड स्टेज है, बात समझ में आ गई? ठीक है ठीक है ठीक है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन दिया ना, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में एक बहुत ही बढ़िया एंट्री है, दैट इज एंट्री नंबर सेवन। ये मैं क्लास में करवाऊंगा, ये मैं आपको क्लास में डेफिनेटली करवाऊंगा, लेकिन एक बार आप खुद से ट्राई मार लेना, खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आराम से प्रैक्टिस कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको मैं आपको करवा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में रेक्टिफिकेशन को खत्म कर देंगे। अगेन उसके बाद देखो थर्ड, देखो थर्ड, थर्ड क्या बोल रहा है, मिस्टर ए क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सितंबर 30 इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब क्या है, अब उसने आपको हिंट दे दिया, उसने आपको हिंट दे दिया, क्या दे दिया कि भाई उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दी। मुझे बताओ ये सेकंड स्टेज है या थर्ड स्टेज है, ये बताओ मुझे कि ये सेकंड स्टेज है या थर्ड स्टेज है। बेटा ये थर्ड स्टेज है, अगर वो आपको बोल रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने क्लोज कर दिए, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, राइट, और आपने बैलेंस शीट भी बना ली है, अच्छा ठीक है, इन स्पाइट ऑफ अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, आपको ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था, द डिफरेंस ऑफ 830 इट वॉज कैरी फॉरवर्ड इन सस्पेंस अकाउंट। ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसने साफ साफ क्या बोला कि भाई हमारा जो भी डिफरेंस आ रहा था मैंने सस्पेंस अकाउंट में उसको कैरी फॉरवर्ड किया, जो कि होना चाहिए था, है ना, होना चाहिए था, तो ये नॉर्मली हो जाएगा, ये हम कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो अभी हमने 8 एग्जाम्पल समझा है वैसा है, बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। ठीक है, फर्क बस इतना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, तो सर इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि आपको एक सस्पेंस का बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो जब आप रेक्टिफाई करोगे तो सस्पेंस क्लोज हो जाएगा, आपका सस्पेंस क्लोज हो जाएगा, आपको उसका कहीं भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन है, ट्राई करना इसको। ठीक है, इसके बाद आप आओगे, इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। देखो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन चार दे रखे हैं, मैं आपको चारों करवाऊंगा क्लास में, टेंशन मत लो, चारों क्लास में करवाऊंगा, लेकिन अगेन
क्योंकि हमने चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है। जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आएगा कहाँ गलती हो रही है। बाकी मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो, अमर्जेंस ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री, अच्छा, द डिफरेंस वॉज पुट टू सस्पेंस, द ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड थर्ड स्टेज है या फोर्थ स्टेज है, बताओ जरा मुझे भाई, ये आपकी थर्ड स्टेज आ रही है या फोर्थ स्टेज आ रही है, बताओ, दिस इज थर्ड स्टेज, बिल्कुल सही, कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। तो आप समझ गए आइडेंटिफाई कैसे करना है, जब भी आपकी थर्ड स्टेज होगी, क्या होगी, थर्ड स्टेज होगी, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपको वही पीएनएल एडजस्टमेंट वो सब करना है, आपको गिवन होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, लास्ट ईयर, वो सब चीजें आइडेंटिफाई करना आ गया, राइट, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, आज आपको प्रैक्टिस करने हैं चारों क्वेश्चन। जब आप प्रैक्टिस करोगे, अगर क्वेश्चंस हो रहे होंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, कि हाँ भाई क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। एग्जाम में रेक्टिफिकेशन आता ही है, 100% आता है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है, राइट, आराम से इनको करना। जिनमें भी डाउट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको चारों क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, टेंशन मत लो, चारों ही क्वेश्चन डिस्कस होंगे, चारों ही क्वेश्चन क्लास में होंगे, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो लेट्स रैप अप, बाकी कल डिस्कस करेंगे। मैं गुजरात से तो नहीं हूं बेटा निशित, मैं तो गुड़गांव से हूं, गुजराती तो नहीं बोलता हूं मैं, हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो फटाफट से, नहीं तो आराम से चलते हैं, और 12 बजे मिलेंगे इको की क्लास में, 12 बजे मिलेंगे आपसे इको की क्लास में, फटाफट से बताओ समझ में आ गया, ठीक है, करना क्या है, होमवर्क समझ में आ गया आपको, यस एवरीबडी। अगर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको समझ में आया है, आज की क्लास समझ में आई है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे और मुश्किल कॉन्सेप्ट थे, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, यही कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे लगे कि आपको समझ में आ गया है, कमेंट करके मुझे बता देना कि हाँ सर कॉन्सेप्ट मुश्किल था लेकिन समझ में आ गया, मज़ा आ गया, ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा मज़ा आ जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे 12 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास में, दोस्तों के साथ आप वीडियो शेयर कर सकते हो जो CA फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी। सर इको में टॉपिक पर क्लास है, किस टॉपिक पर, इको बेटा डिमांड चल रहा है हमारा, लास्ट क्लास में हमने डिमांड स्टार्ट किया था, ठीक है, डिमांड वाली क्लास आप फटाफट से एक बार देख लो थोड़ी बहुत, उसके बाद आप लाइव क्लास अटेंड कर लेना। ओके गाइज, आई सी यू एट 12, एक घंटे बाद आपसे मिलते हैं, इको में डिस्कशन करते हैं, चलो ठीक है, ठीक है, इको में टेस्ट डिस्कशन, धारवी इको की टेस्ट डिस्कशन बाद में करेंगे अभी, ओके, टेस्ट की डिस्कशन ना हम किसी दिन शाम को कर लेंगे, क्लास के टाइम नहीं करेंगे, क्लास में फिर टाइम वेस्ट होगा, ओके, चलो, ओके एवरीवन, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू देव।